God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the river in the wilderness, He leads me. And the rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Kya de sakta hu, kya la sakta hu, kehta tujhe bas shukriya. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेख तेरा ना. आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया.
सबको नमस्ते। हम इस स्पेशल बाइबल सेमिनार में आपका स्वागत करते हैं। तो 20 और 21 तारीख को हम ये स्पेशल बाइबल सेमिनार करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर के वचन से आशीष प्राप्त करेंगे और आप अपना मन परमेश्वर के साथ जोड़ने के बारे में और अत्यधिक जान पाएंगे। तो बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो हमें अपनी कलीसिया के द्वारा और उसके दासों के द्वारा निरंतर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम सटीकता से परमेश्वर के मन से मिल सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। तो आज भी आज के इस स्पेशल बाइबल सेमिनार को हम शुरू करने के समय में प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर साजन रहे हैं, मैं पास्टर जी से विनती करूंगा कि वो आगे आए और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता सच में आपने ये हमें मूल्यवान समय दिया और खास करके ये फिर से हमें ये स्पेशल बाइबल सेमिनार दिया ताकि हम एकजुट होकर एक इकट्ठे होकर फिर से परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर के वचन से अनुग्रह मिल सके और आशीष मिल सके। हालांकि हाल ही में हमारा पास्टर पाक का ग्रैंड बाइबल सेमिनार खत्म हुआ तो हम देख सकते कि परमेश्वर ने कितने शक्तिशाली रूप से काम किया और बहुत सारे लोग जुड़ा और बहुत सारे लोग ने पाप से उद्धार पा सका। सच में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख पाए, हम जान पाए कि हमारा सोच कि जैसे कि दूसरे राजा साथ में जो राजा के साथ जो ऑफिसर था जिन्होंने परमेश्वर की वचन को तुच्छ माना और आपने आपको विश्वास किया और अंत में ही नाश ही हुआ तो परमेश्वर ने आपकी आपने दिया हुआ दास की दिया हुआ जो वचन आपने पूरा किया। तो हमारे मन में भी सच में हम बिना जाने जानते हुए भी हम अपनी सोच को इतना आसान से हम विश्वास करते हैं और हम वचन को तुच्छ मानते हैं। और यदि हम वचन को सच में हम तुच्छ मानते तो हम विनाशी हो सकता है। लेकिन हम धन्यवाद का बात यह है कि आपने हमें परमेश्वर ने कलीसिया दिया है और परमेश्वर की दास की दिया है कि परमेश्वर की दास ने लगातार वचन देकर हमारा अपनी सोच को विश्वास ना कर परमेश्वर के वचन ही विश्वास करने के लिए चला रहा है और सिखा रहा है। हम बहुत धन्यवाद है सच में। ये हालांकि अभी कोरोना का महामारी है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग पीड़ा में है और बहुत सारे के मन में उम्मीद नहीं है जीने के लिए, लेकिन लगातार परमेश्वर ने ये सच सुसमाचार दिया है और ये सभी जगह सभी लोग को सच में सुनाने के लिए परमेश्वर सच में काम कर रहा है। हम देख सकते हैं कि सच में बहुत सारे लोग ने उधर पा सकता है और बहुत सारे लोग ने यीशु समाज सुन पा रहा है। सच में अभी आशा और उम्मीद वचन के अलावा किसी में नहीं है, इसीलिए जब हम वचन सुनते हैं और हम आशा पा सकते हैं
और हम शक्ति पा सकते हैं, और हम जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन जिन्होंने पाप से छुटकारा नहीं पाया, वो पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो पिता हम बहुत धन्यवादी है, जिसमें जैसे कि अंधे जो मनुष्य था, जो कि यीशु मसीह को वचन को जैसे कि जैसे उसने स्वीकार किया और वचन के वचन ने उसको मार्गदर्शन किया, इसी तरह से इसमें परमेश्वर हमें लगातार परमेश्वर की दास के वचन दे रहे, और सच में ये वचन ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। और परमेश्वर पिता जैसे कि हम आज हम जैसे कि परसर का परमेश्वर की दास के जब हम वचन सुनते, वचन के आगे हमारा जितना सोच है वो सोच को इनकार कर कर वचन जैसा ही है वैसे हमारा मन में ना मिले तो भी हम स्वीकार कर सके, और हम देख सकते कि परमेश्वर की वचन हमको कैसे मार्गदर्शन करेगा, कैसे चलाएगा, और हम देख सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन करेगा। और आज के वचन की जरिया जिसमें हम परमेश्वर की मन एक सो सके, और जिसमें आपकी आपका ज्ञान दीजिए वचन समझने के लिए और सुनने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, और जितना लोग इस सेमिनार में ज्वाइन हुआ है सभी को याद कीजिए, और सभी को आशीष और अनुग्रह से वचन के जरिए भर दीजिए, और ये सेमिनार शुरू से अंत तक आपके हाथ में सौंप देता हूँ, और ये प्रार्थना भी आपके हाथ में सौंप देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर। तो सच में हम बहुत धन्यवादित हैं परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा और उसके दासों के द्वारा हमें हमारी सोच से अलग होके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए चलाते हैं। तो जब परमेश्वर की कलीसिया और प्रभु के दास परमेश्वर के वचन के सामने हमें खड़ा करके हमारा सोच कितना गलत है और परमेश्वर का वचन कैसे सही है यह हमारे मन में स्थापित करते हैं, तो हमारा मन सोच से छूटता है और वचन से एक हो सकता है। इसलिए सच में उद्धार पाए हुए प्रभु के दासों से मिलना और उनसे परमेश्वर का वचन सुनना यह हमारे लिए बहुत ही धन्यवादित बात है। और सच में उस समय में हमारे मन से सिर्फ गवाही निकल सकती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा हमारे मन की अगुवाई की ताकि हम परमेश्वर के सच्चे वचन को मिल सकें, और परमेश्वर का सच्चा वचन हमारे मन में आके हमें क्या विश्वास दिया, ये सब बातें हम आसानी से बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज भी हमारे बीच में गवाही को बांटने के लिए पास्टर स्टैनली हैं जो बैप्टिस्ट चर्च पंजाब से हैं, तो मैं इस समय पास्टर जी को आगे बुलाना चाहूंगा ताकि वो अपनी गवाही हमारे बीच में बांटे। प्रे द लॉर्ड। मैं पास्टर स्टैनली प्रभु यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं पंजाब इंडिया से आज जब मैं खुदाबंद के दास पास्टर पॉल सॉन्ग जी के द्वारा जो CLFI मिनिस्ट्री के डायरेक्टर है खुदाबंद के जिंदा वचन को सुना, और सचमुच उस वचन ने मुझे टच किया कि जब खुदाबंद के दास ने मुझे इस बात को बाइबल में से बताया कि सचमुच हमारे ही खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे फ्यूचर के पापों को भी क्षमा कर दिया है, अब हमें फ्यूचर के पापों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमें विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे इब्रानिया की पुस्तक उसका 13 उसका 8 में लिखा ना कि यीशु मसीह आज कल और युगो युग एक सा है। तो सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह हमारा एक सा है तो उसने हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के गुनाहों को भी क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए क्या हुए, कुर्बान हुए, उसका पवित्र खून है जो हम सबके गुनाहों को, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के गुनाहों को क्या करता है, क्षमा करता है। हमें जरूरत है कि हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की, विश्वास के द्वारा हम क्या बनते हैं, धर्मी बनते हैं, उसकी संतान बनते हैं, उसके बेटे बेटियां बनते हैं। तो जब खुदावंद के दास डायरेक्टर पॉल जी ने जो मुझे आज जिंदा वचन खुदावंद के जिंदा वचन से बताया, और सचमुच उस वचन ने मुझे छुआ, सो
खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह अपने दास को और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, देशों विदेशों में और इस्तेमाल करे, ताकि बहुत से लोग खुदाबंद के दास के द्वारा स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो, इस बात को समझे कि उधार देने के लिए हमारा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसका पवित्र खून ही जो हम सबके गुनाहों के लिए बहा, और उसके खून पर जब हम ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर हम पापी नहीं बल्कि क्या बनते हैं, धर्मी बनते हैं। तो हमें जरूरत है खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करने की, विश्वास करने की। आज जब खुदाबंद के दास ने जिंदा वचन मेरे साथ शेयर किया और उस वचन ने सचमुच मेरी सारी कंफ्यूजन को क्या कर दिया, दूर कर दिया, और मुझे एक बड़ा आनंद हुआ, बड़ी हृदय में शांति आई कि सचमुच हमारा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है। वो हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के गुनाहों को, उसने तीनों गुनाहों को स्लीप पर क्या कर दिया है, अपना खून बहा के क्षमा कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, ये वो पाप है जो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और आदम ने जब पाप किया और उसके द्वारा हम सब क्या बन गए, पापी बन गए, और हम आदम की संतान जब कहलाते हैं तो आदम के गुनाह के द्वारा क्या बनते, हम पापी बनते हैं। पर शुक्र है हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का जो इस धरती पर आया और अपना पवित्र खून उसने बहाया हम सबके गुनाहों के लिए, और उसके खून के द्वारा ही हम अब पापी नहीं है बल्कि हम क्या है, धर्मी है। तो उसका पवित्र खून है जो हम सबके गुनाहों को क्या कर देता है, धो देता है। तो हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की, विश्वास के द्वारा हम क्या बनते हैं, उसके बेटे बेटियां बनते हैं, हम उसकी संतान बनते हैं, हम धर्मी बनते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह अपने दास को जगह जगह देशों विदेशों में और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि बहुत से लोग गुनाहों से आजाद हो और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का जिंदा वचन बताता है कि जब हम अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों में नीमे करते हैं, डाउन करते हैं, तो एक समय आता है कि हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। सो शुक्र प्रभु यीशु मसीह का जिसने हम सबके पापों को क्षमा कर दिया, उसका पवित्र खून है जो हम सबके गुनाहों को क्या करता है, क्षमा करता है। खुदा उनके दास ने बताया कि जो पहले था वो अपने पापों को क्षमा के लिए क्या होता था कि कुर्बानियां देनी पड़ती थी, साल ब साल कुर्बानियां देनी पड़ती थी। और सचमुच आज हमें कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही कुर्बान प्रभु यीशु मसीह हम सबके गुनाहों के लिए हो गया है। वो फ्यूचर के गुनाहों के लिए भी कुर्बान हुआ है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के गुनाह, तीनों ही गुनाह उसने क्या किए हैं, क्षमा किए हैं हमारे। और हमें जरूरत है उस पर विश्वास करने की, जब विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। सो हम विश्वास करें, इस बात पर बिलीव करें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। मेरा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और अपने दास को भी और अपनी महिमा के लिए जगह जगह इस्तेमाल करे। सो प्रे द लॉर्ड, सबको प्यार भरी जय मसीह की। बहुत धन्यवाद आपकी गवाही के लिए पास्टर स्टैनली। सो सच में जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में आता है तो हमारे मन में से ये गवाही निकले बिना नहीं रह सकता कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप अनंत काल के लिए धो दिए। सच में हम बहुत धन्यवादित हैं कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमारे मन में उसके पुत्र के बलिदान के प्रति सच्चे विश्वास को दे रहा है, ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरें और हम उसके राज्य के वारिस बन सकें। तो हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है। तो ये स्पेशल बाइबल सेमिनार आज और कल दोनों दिन होगा। तो जैसे आज हमने शाम को 6 बजे इसे शुरू किया है और कल भी हम शाम को 6 बजे इस स्पेशल बाइबल सेमिनार की शुरुआत करेंगे। तो हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ
ये बाइबल सेमिनार को अटेंड करें और नए लोगों को भी बुला के उनको परमेश्वर का वचन सुनने का मौका दें। तो इस समय मैं आपको अनुवाद के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो हमारा मेन लाइन है ये हिंदी में ही अनुवाद होगा, और अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, नेपाली में सुनना चाहते हैं, नागामिस में सुनना चाहते हैं, आसामिस में सुनना चाहते हैं, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑप्शन में जाना होगा और वहां से आपको जो भाषा आपकी पसंदीदा है उसको आपको चुनाव करना होगा। लेकिन अगर आप बंगाली में सुनना चाहते हैं तो आपको वहां बंगाली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे आपको पोर्चुगीज लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसे चुनाव करने से आप बंगाली में सुन पाएंगे। बोरो में सुनने के लिए आप स्पेनिश में चुनिए, और मणिपुर में सुनने के लिए आपको फ्रेंच चुनाव करना होगा, और कुकी के लिए रशियन आपको चुनाव करना होगा। मैं आशा करता हूँ आप अपने पसंदीदा भाषाओं से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। तो आज हम परमेश्वर के दास को बुलाने से पहले परमेश्वर के वचन के लिए हमारे बीच में मल्लवान क्वायर, ग्रासिस क्वायर हमारे बीच में है। तो आज क्वायर ने दो गीत हमारे लिए तैयार किए हैं। पहला है बर्डन्स आर लिफ्टेड एट कैलवरी और दूसरा है एज अ डियर। तो आइए हम ग्रासिस क्वायर को तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
बहुत धन्यवाद देते हैं ग्रेशियस क्वायर को जो हमें मूल्यवान गीतों के द्वारा परमेश्वर के साथ आराधना करने में अगुवाई करते हैं। तो हमारा मेन सर्मन के बाद ग्रुप मीटिंग होगा चर्च वाइज, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मेन सर्विस के बाद ग्रुप मीटिंग में शामिल होंगे। इस समय हम समय न गंवाते हुए हमारे बीच में सीनियर पास्टर गुड न्यूज अन्यंग चर्च से रेवरेंड लिहान यू है, तो आइए हम उनको स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. सभी को जय मसीह की। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 요즘 인도가 전 세계에서 이 코로나가 가장 많이 퍼져서 굉장히 어려움이 많다고 들었습니다. तो अभी कोरोना इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंभीर दशा में है, इसलिए बहुत सब लोग परेशानियों में है, मैंने ऐसा सुना। 저희들 한국 교회는 매일 저녁마다 이 기도회를 하고 있습니다. 또 코리안 저스메 함록 로즈 샴고 प्रार्थना सभा करते हैं। 오늘 저녁에도 우리 박옥수 목사님께서 말씀을 짧게 전하시고 이 기도회를 하셨는데 तो आज शाम को भी पास्टर पार्क ने थोड़ा सा प्रचार किया और फिर हमने प्रेयर मीटिंग की। 오늘 목사님께서 굉장히 충만하고 뜨겁게 이렇게 기도를 하셨습니다. तो पास्टर सच में आज बहुत ही उनका मन भरा हुआ था और वे काफी देर तक प्रार्थना कर रहे थे। 목사님께서 오늘 밤에 인도를 위하여 굉장히 이렇게 길게 기도를 하셨습니다. और आज शाम को खास करके पास्टर ने इंडिया के लिए बहुत लंबी प्रार्थना की। 저희들 어제 우리 인도 선교사님들하고 같이 이렇게 교제하는 시간을 가졌는데 오늘 हमारी इंडियन मिशनरीज के साथ ऐसे फेलोशिप हुई थी। 지난주에 대전도 집회를 마치고 तो पिछली बार जब पिछले हफ्ते बाइबल सेमिनार खत्म होने के बाद 우리가 아시아 지역 여러 이제 선교사들하고 같이 교제도 하고 간증을 나누었는데 तो एशिया एरिया के बहुत सारे मिशनरीज के साथ हमने आपस में संगति की और अपनी अपनी गवाहियां बांटी। 어제는 인도 선교사님들 간증이 제일 많았습니다. कल सबसे ज्यादा इंडिया के मिशनरीज अपनी गवाहियां बांट रहे थे। 우리 차지환 선교사님은 코로나에 걸렸다가 막 굉장히 고생했던 이야기. 차지환 파스터 उनको कैसे कोरोना हुआ और कैसे उन्होंने कोरोना से लड़ते हुए इतनी कष्ट उठाए। 또 그 일을 통해서 자신의 무익함을 발견하게 된 간증을 이렇게 했고 और उस हादसे के द्वारा उन्होंने कैसे अपने आप के मतलब कितने वो असहाय हैं इस बारे में वो जान सके अपनी गवाही वो कल बांट रहे थे। 우리 송무성 선교사님이나 또 김수현 선교사님 여러 선교사님들 간증을 하셨는데 तो송무성 파스터 김수현 파스터 बहुत सारे मिशनरीज अपनी अपनी गवाहियां बांटी। 인도가 코로나 때문에 제일 어려운데 인도 선교사님들 마음이 제일 뜨겁고 충만했습니다. तो इंडिया अभी कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन इंडियन मिशनरीज का मन सबसे ज्यादा अभी सुसमाचार के लिए जलता हुआ और परमेश्वर के सच में गवाहियों से भरा हुआ है। 제가 그 간증을 들으면서 어떤 마음이 들었느냐 하면 तो उनकी गवाहियां सुनके मैं क्या महसूस कर सका। 요셉이 애굽의 총리로 있을 때 तो यूसुफ जब सच में मिस्र में एक प्रधानमंत्री था온 세상에 심각한 기근이 왔습니다. तो पूरी दुनिया में बहुत ही गंभीर अकाल पड़ा। 근데 이제 양식을 구할 데가 없는 거예요. तो मतलब कोई जगह नहीं थी जहां उनको भोजन वस्तु मिल सकती। 근데 요셉의 창고에는 양식이 산더미처럼 가득 쌓여 있었고 लेकिन यूसुफ के जितने खलियान थे उसमें भोजन वस्तु पूरी तरीके से भरी हुई थी। 요셉 앞에 나오면 요셉 앞에 나오면 तो जो भी यूसुफ के सामने जाता 요셉은 온 세상 모든 사람을 굶주림에서 능히 구원할 수 있는 양식을 가지고 있었습니다. तो यूसुफ के पास इतनी बहुतायत में भोजन वस्तु थी कि वे पूरे दुनिया के लोगों को उस अकाल से बचा सकता था। 인도에 코로나가 오면서 많은 사람들이 죽기도 하고 तो इंडिया में कोरोना की वजह से चाहे बहुत लोग मर रहे हैं 많은 사람들이 두려움 속에 있는데 और बहुत सारे लोग डर में हैं। 어제 선교사님들 간증을 들어보니까 तो कल जब हमने मिश्री लोगों की गवाहियां सुनी 이런 일로 인해
이제 많은 사람들이 죽음을 생각하고 자기 영혼을 진지하게 돌아볼 수 있게 되었고 तो इस हादसे की वजह से सच में बहुत लोग अपने प्राण के बारे में सोच सके और मौत के सामने खड़े होकर अपने प्राण के बारे में गंभीर रूप से सोच सके 복음이 애매하던 많은 분들이 구원이 확실해졌다는 간증들을 많이 들었습니다. और मैंने बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनी कि जिनका सुसमाचार मतलब क्लियर नहीं था उन लोगों का सुसमाचार उनके मनों में स्पष्ट हो सका 애굽의 형편을 보면 전부 기근밖에 없어 보이지만 तो मिस्र की परिस्थिति जब हम देखते हैं तो वहां पे सिर्फ अकाल ही अकाल है 그 기근으로 인하여 모든 사람들이 요셉 앞에 나오고 लेकिन उस अकाल की वजह से सब लोग यूसुफ के सामने जा सके 요셉으로부터 양식을 사서 생명을 얻는 것처럼 और यूसुफ के सामने आके वो लोग सच में भोजन वस्तु प्राप्त कर सके 많은 사람들이 이 코로나로 인한 어려움 때문에 이제 복음의 말씀 앞으로 나오게 되고 तो सच में बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से इस सुसमाचार के सामने आ पा रहे हैं 이 생명의 말씀을 들으면서 और इस जीवन के सुसमाचार को सुनने के द्वारा 새로운 힘을 얻고 소망을 얻는 간증을 들을 때 너무 감사했습니다. तो नई ताकत नई हिम्मत प्राप्त कर रहे हैं सच में ये सुन के हम बहुत ज्यादा धन्यवादी हो सके 오늘 저녁에 우리 로마서 3장 말씀을 읽겠습니다. तो आज हम लोग रोमियो 3 से वचन देखेंगे 로마서 3장 19절부터 24절까지 인도 언어로 읽도록 하겠습니다. 로미오 3 19세 लेके 24 तक हम पढ़ेंगे. 로미오 3 19세 24 तक हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है. इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं 예, 우리 인생들이 죄에 빠져서 저주를 받고 영원한 지옥으로 갈 수밖에 없었는데. 사실에, 함록 파업에 기르는 기 와자세, 사실에, 함 샤프트해, 우리 나를 자에 비나 나이 레셋트해. 하나님 우리 영혼을 사랑하셔서. 하지만, 하나님은 우리의 영혼을 사랑하셔서. 우리를 죄악과 멸망에서 구원하기 위하여. 우리의 파업을 나시에서 벗어내기 위해. 구원의 계획을 세우시고. तो परमेश्वर ने एक उद्धार की योजना बनाई 구원자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा 예수님 2000년 전 이 땅에 오셔서 तो यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए 우리의 모든 죄를 당신의 몸에 담당하시고 तो हमारे सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया 십자가에 못 박혀 피를 흘려 주시고 और क्रूस के ऊपर सच में उन्होंने अपना लहू बहाया 그 피로 우리의 모든 죄를 씻으시고 और उस लहू के द्वारा उन्होंने हमारे सारे पाप धो दिए 우리가 받아야 될 모든 심판을 대신 받으셨고 और जो न्याय हमें मिलना चाहिए था उसमें वो न्याय उन्होंने पा लिया 우리가 받아야 될 모든 벌을 받고 가셨기 때문에 और जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सारी सजा उन्होंने पा ली 이제 하나님 앞에서 우리의 모든 죄가 씻어졌고 तो इसलिए परमेश्वर के सामने हमारे सब पाप धुल गए 하나님 이제 우리를 의롭다고 약속하셨고 और परमेश्वर ने वादा किया है कि हम धर्मी हैं 이제 우리는 더 이상 심판받을 죄나 형벌 받을 일이 없게 되었습니다. और ऐसा हो गया कि सच में और हमें हमारे ऊपर कोई पापों की सजा बाकी नहीं रहेगी कोई न्याय बाकी नहीं रह गया 예수님 세상을 떠나신 뒤에 तो यीशु मसीह जब गुजर गए उसके बाद 예수님의 가르침을 받았던 제자들이 그 예수님의 복음을 전했습니다. 또 이슈에서 식사 프랍트 기에 후에 제로는 이슈의 수스마차르가 프라찰 기야. 이제 열두 사도들이 복음을 전한 뒤에 또 바라 제로는 이슈 마시가 수스마차르 프라찰 기야. 사도들이 세상을 떠나고 और जब ये चेले गुजर गए 사도들의 그 사도들의 가르침을 받았던 사도들의 제자들이 또 그 복음을 전하기 시작했습니다.
उन चेलों के आगे जो चेले थे जिन्होंने इन चेलों से शिक्षा पाई थी उन चेलों ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया 예, 사도들 중에 나이 가장 어리고 오래까지 살았던 사도가 사도 요한이었는데 또 प्रेरितो में से मतलब जिसकी उम्र सबसे छोटी थी और जो सबसे लंबा तक जिया वो प्रेरित योहन्ना था 그 사도 요한의 제자들 중에 폴리갑이나 이그나티우스라는 제자들이 있었습니다. 또 예 저 예수 그리스도의 제자 요한나 था इसके चेलों में से पॉलीक्रैप या इग्नेटियस ऐसे चेले थे 예, 그 사도들의 직계 제자들을 속사도 포스트 어포슬이라고 하는데 또 저 첼롱 께 아게 첼레 테 운고 라이크 포스트 어포슬 कहते हैं 예 이그나티우스나 폴리갑은 바로 속사도들의 이제 대표적인 속사도들이죠. 또 폴리크랩 야 이그네시우스 जैसे उन पोस्ट अपोसल्स में से जो चेलों के चेले हैं उनके प्रतिनिधि हैं 예 그 폴리갑의 제자 중에 또 이레니우스라는 제자가 있었습니다. 폴리크랩과 아게 첼라타 जिसका नाम इरेनियस था 그 속사도들의 제자들이 또 그 제자들에게 복음을 전했고 또 ये जो पोस्ट अपोसल्स थे मतलब ये जो चेलों के चेले थे इन्होंने फिर आगे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया 이제 핍박 속에서 복음은 계속 힘 있게 전해졌습니다. और चाहे इनके ऊपर बहुत सताव था लेकिन उन्होंने मजबूती से अंत तक सुसमाचार का प्रचार किया 예수님의 제자들은 대부분 유대인들이었죠. तो यीशु मसीह के जितने चेले थे लगभग सब यहूदी थे 이제 이 구원을 받은 제자들이 유대교에 복음을 전했을 때 तो इस उद्धार पाए हुए चेलों ने जब मतलब यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया 유대교인들로부터 많은 핍박을 받았습니다. 또 यहूदियों ने बहुत ज्यादा इनको मतलब सताव दिया 이제 이 복음은 유대 지경을 넘어서 로마 제국으로 들어가게 됩니다. और यहूदियों से आगे बढ़कर ये जो सुसमाचार था ये रोमन एंपायर तक पहुंचा 우리가 사도행전 27장 28장을 보면 तो जब हम प्रेरितों के काम 27 और 28 में देखते हैं 사도 바울이 로마로 가서 복음을 전하는 모습을 볼 수가 있죠. 또 한번 देखते हैं कि कैसे पौलुस रोम तक जाता है और रोम में जाके वो सुसमाचार का प्रचार करता है. 바울은 로마에서 복음을 전하다가 순교를 당했습니다. 또 पौलुस रोम में सुसमाचार का प्रचार करते करते शहीद हो गया था. 로마 제국이 바울을 죽일 수는 있었지만 바울이 가진 믿음을 죽일 수는 없었습니다. तो चाहे रोमियो के साम्राज्य ने पौलुस को तो मार डाला लेकिन पौलुस के विश्वास को वो नहीं मार सके 복음이 로마로 들어가면서 तो जब सुसमाचार रोम में प्रवेश किया 로마 제국의 국가적인 핍박을 받게 되는데 तो रोम के लोग मतलब सुसमाचार प्रचार करने वालों को राष्ट्रीय तौर पे सताव देने लगे 참 놀라운 것은 이 복음이 핍박을 받으면 받을수록 점점 더 힘 있게 전해지기 시작하는 겁니다 लेकिन अद्भुत बात ये थी कि जितना ज्यादा सुसमाचार को सताव मिला उतना ज्यादा मजबूती से इसका प्रचार होता गया 그리스도인들은 약 250년 동안 로마 제국의 무시무시한 핍박을 받으면서 तो मतलब मसीही लोगों ने 250 साल रोमियो के अधीन मतलब बहुत भयानक उन्होंने सताव का सामना किया 드디어 로마 제국을 복음으로 정복해 나갑니다 और उन्होंने रोम के पूरे साम्राज्य को जैसे सुसमाचार से ढांप दिया 그리고 서기 313년에는 और फिर मतलब 313 AD की बात है 이제 로마의 콘스탄티누스 황제가 기독교 공인을 하기에 이릅니다 तो जो कॉन्स्टेंटिन एम्परर था उसने मतलब मसीहियों को अपने राज्य में छूट दे दी 자 이제 핍박이 그치면서 तब मतलब सताव इन लोगों के ऊपर खत्म हो गया 지하에 있던 그리스도인들이 지상으로 올라와서 마음껏 복음을 전할 수가 있었습니다 तब मतलब ऐसा हो गया कि जो मसीही लोग पहले गुफाओं में मतलब अंदर जमीन के अंदर छिपके प्रचार करते थे अब वो बाहर आ सके और खुल्लम-खुल्ला वो प्रचार कर सके 이제 로마 제국에 빼앗겼던 재산을 되돌려 받게 되었고 और रोमन रोमन साम्राज्य ने जो उनकी धन संपत्ति छीन ली थी वो उनको वापस प्राप्त हो सकी 이제 교회 건물을 마음대로 지을 수가 있었습니다. और उनको आजादी मिल गई कि वो जैसा चाहे चर्च की बिल्डिंग्स बना सके 근데 핍박이 없어지면서 लेकिन जब सताव खत्म हुआ 얼마 지나지 않아 교회가 굉장히 빠른 속도로 타락하고 세속화되기 시작합니다.
कुछ ही मतलब समय के बाद सताव के खत्म होते ही मतलब कलीसिया भ्रष्ट रास्ते के ऊपर चली गई, भ्रष्ट हो गई।이제 초대 교회의 신학자들이 있었는데요. 또 शुरुआत की कलीसिया के जो थियोलॉजियंस थे, 예, 초대 교회를 이끌었던 그 대표적인 교회의 인도자들을 교부, 이제 교회의 아버지라고 불렀습니다. 또जो शुरुआत के जैसे कलीसिया के अगुए लोग थे उनको कलीसिया का पिता भी कहा जाता है।근데 이제 교부들이 정확한 복음의 진리 위에 서 있지 않는 사람들이 많이 있었습니다. लेकिन उन मतलब जो मतलब मुख्य अगुए थे उनमें से काफी ऐसे थे जो सुसमाचार की सच्चाई पर स्थापित नहीं थे। तो예를 들면 이제 암브로시우스라든지 उदाहरण के लिए एम्ब्रोसियस था또 어거스틴이라든지 या फिर ऑगस्टीन था।예, 이런 사람들이 이제 복음의 진리에서 조금씩 조금씩 빗나가기 시작했습니다. 또 ये लोग मतलब सुसमाचार की सच्चाई से थोड़ा 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 जैसे भटकना शुरू हो गए।이 사람들은 로마 가톨릭 교회의 교리적인 기초를 놓은 사람들인데 तो ये लोग ऐसे लोग थे जो कि रोमन कैथोलिक के जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनके नींव रूपी बातों को जानते थे।그러면서 5세기부터 약 15세기까지 중세는 암흑기에 접어들게 됩니다. 또 फिर 5वीं सदी से लगभग 15वीं सदी तक जब हम देखते हैं तो ये जो भ्रष्टता है वो और बढ़ती चली गई।이제 5세기부터 약 1000년 동안 중세는 암흑기를 맞이하는데 तो मतलब 5 मतलब करीबन 1000 साल के इतिहास को जब हम देखते हैं그렇다고 복음의 맥이 영 끊어진 건 아니었습니다. 또 चाहे मतलब बहुत भ्रष्टता आती गई लेकिन ऐसा नहीं था कि सुसमाचार की ज्योति पूरी तरीके से बुझ गई। 13세기에는 프랑스에 피터 왈도라는 사람이 일어나서 복음을 전했고 तो 13वीं सदी में पीटर वॉल्डो नाम का एक व्यक्ति था जिसने फ्रांस में सुसमाचार का प्रचार किया था। 14세기에는 영국 옥스퍼드 대학의 아주 유능한 신학 교수였던 존 위클리프가 일어나서 복음의 빛을 밝혔습니다. और 14वीं सदी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत मशहूर थियोलॉजियन था जिसका नाम जॉन विक्लिफ था, उसने सुसमाचार की ज्योति को बहुत मजबूती से चमकाया। 15세기에는 보헤미아의 이제 프라하 대학 총장이었던 얀 후스라는 분이 구원을 받고 복음의 진리를 담대히 전했습니다. और 15वीं सदी में बोहेमिया में जो प्राग यूनिवर्सिटी थी उसका जो चांसलर था उसने मतलब बहुत मजबूती से सुसमाचार का प्रचार किया।이제 16세기가 되면 और जब 16वीं सदी आई여러분이 잘 아시는 독일의 마르틴 루터라든지 तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जर्मनी में मार्टिन लूथर था또 스위스의 쯔빙글리, और स्विट्जरलैंड में ज्विंगली था। 스코틀랜드의 존 녹스 같은 이런 종교개혁가들이 일어나서 또 स्विट्जरलैंड में जॉन नॉक्स नाम का एक व्यक्ति था। सच में ऐसे लोग ये इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्मेशन की शुरुआत की।예, 종교개혁의 기치를 높이 들었습니다. तो इन लोगों ने जो एक धार्मिक सुधार था उसके झंडे को इन्होंने ऊंचा फहराया।이제 존 칼빈은 제네바를 중심으로 종교개혁을 했는데 तो जॉन कैल्विन ने जेनीवा पे को मतलब केंद्र बनाते हुए ये धर्म सुधार के काम को आगे बढ़ाया था। 1536년 그 제네바 사람들이 프로테스탄트 신앙을 받아들이면서 만든 주화에 보면 तो मतलब उस जमाने में जो प्रोटेस्टेंटिज्म के जो विश्वास की बातों पे निर्धारित वो लोग बातें करते थे वो क्या थी?어둠 뒤에 빛이 있으라 하는 문구를 새겨 넣었습니다. 또 उनका एक स्लोगन था कि अंधकार के पीछे हमेशा ज्योति है। 이제 천년의 암흑기 뒤에 정말 복음의 빛이 밝게 비치기를 바랐던 것입니다. 또 मतलब 1000 साल का जो डार्क एजेस था जो मतलब बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ समय था उसके बाद अब सुसमाचार की ज्योति गहरी चमकेगी। 예, 16세기에 많은 사람들이 일어나서 이제 종교개혁을 하게 되는데, तो 16वीं सदी में बहुत सारे लोगों ने इस रिलीजियस रिफॉर्मेशन को इस धर्म सुधार के काम को आगे बढ़ाया।이 종교개혁에는 세 가지 기본 정신이 있습니다. 또 इस जो ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो धर्म सुधार का एक मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें तीन माइंडसेट थे उनके।
이것을 세 가지 솔라라고 이야기하는데 उसको थ्री सोला भी बोलते हैं. 솔라라는 말 라틴어로 오직이라는 뜻입니다. तो सोला जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मन सिर्फ है. 자, 이 종교 개혁의 기본 정신이 된 세 가지 솔라가 뭐냐면 तो ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन का जो बेसिक थीम माइंडसेट थे वो क्या थे? 오직 성경. सिर्फ बाइबल. 오직 은혜. सिर्फ अनुग्रह. 오직 믿음. सिर्फ विश्वास. 바로 이 정신을 기초로 종교 개혁을 했던 것입니다. तो इस मतलब नीव के ऊपर उन्होंने धर्म सुधार या रिलीजियस रिफॉर्मेशन के काम को आगे बढ़ाया था. 마르틴 루터가 종교 개혁을 한 지 이제 500년이 지났는데 तो मार्टिन लूथर ने जब इस रिलीजियस रिफॉर्मेशन की शुरुआत की उससे 500 साल बीत जाने के बाद 500년의 세월이 흐르는 동안 이 마르틴 루터가 전했던 복음의 진리가 많이 흐려져서 तो 500 सालों के इतिहास को जब हम देखते हैं तो जो सुसमाचार मार्टिन लूथर ने प्रचार किया था वो बहुत अब अस्पष्ट हो गया है. 지금 이 시대에도 이 세 가지 솔라의 정신이 꼭 필요합니다. लेकिन इस पीढ़ी को भी सच में ये जो 316 की जो माइंडसेट था उसकी अभी भी जरूरत है. 네, 우리는 오직 하나님의 말씀인 성경만을 절대적인 진리로 받아들여야 하고 तो हमें सिर्फ बाइबल को परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में विश्वास करना है और स्वीकार करना है. 예, 우리의 구원은 인간의 행위가 아닌 오직 은혜로만 받는 것입니다. और हमारा उद्धार इंसानों के कामों पर नहीं सिर्फ अनुग्रह के ऊपर आधारित है. 그리고 우리는 오직 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 구원을 받고 और हमने सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उद्धार पाया है. 하나님을 믿는 믿음으로 이제 삶을 사는 겁니다. और आगे को हमें सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करके अपना जीवन जीना है. 예, 종교개혁의 대표적인 인물은 역시 마르틴 루터를 들지 않을 수가 없습니다. तो हम ये कहे बिना नहीं रह सकते कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा किरदार है वो मार्टिन लूथर है. 마르틴 루터는 아버지의 뜻에 따라 법대를 들어갔습니다. तो मार्टिन लूथर अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार एक लॉ स्कूल में पढ़ता था. 어느 날 알렉시우스라는 자기 친구와 함께 이제 집에 왔다가 학교로 돌아가는데 तो एक बार अपने एक दोस्त अलेक्सियस के साथ वह घर आया और फिर जैसे अपने कॉलेज वापस जा रहा था 갑자기 하늘이 컴컴해지면서 막 비바람이 몰아치기 시작했습니다. 아차나크 세 मतलब एकदम से गहरा अंधकार सा छा गया और बहुत तेज तूफान आया. 근데 함께 길을 가던 알렉시우스가 벼락에 맞아 가지고 그 자리에서 즉사를 해 버렸습니다. लेकिन उसका जो दोस्त अलेक्सियस था वो उसी जगह पे एकदम से बिजली आके उसके ऊपर गिरी और वो उसी जगह मर गया. 마르틴 루터는 이 영혼에 대한 감각이 굉장히 예민했고 तो मार्टिन लूथर का जो अपने प्राण के प्रति एक सेंस था वो बहुत ज्यादा मतलब तेज था. 어려서부터 종교심이 아주 특별한 사람이었는데 और बचपन से ही वो मतलब एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था. 그 당시 온 유럽 로마 가톨릭의 영향 아래 있었기 때문에 लेकिन वो क्योंकि एक कैथोलिक इन्फ्लुएंस के अंदर पला बड़ा था. 루터는 그 친구의 죽음을 보면서 तो जब लूथर ने अपने दोस्त की मौत को देखा 바로 이제 성호를 끊고 तो उसने एकदम से मतलब वो साइन ऑफ द क्रॉस किया. 이제 안나라는 그 성인에게 기도를 드립니다. और मतलब कोई एक कैथोलिक लोग कोई सेंट को मानते हैं उस सेंट से उसने प्रार्थना की. 성 안나여 나를 도우소서. सेंट अन्ना मुझ पे दया करो. 나를 살려 주시면 अगर आप मुझे बचाओगे 내가 수도사가 되어서 평생을 하나님께 바치겠나이다. मैं मतलब एक एक कैथोलिक एक मतलब प्रीस्ट बन जाऊंगा और अपना पूरा जीवन मतलब परमेश्वर को दे दूंगा. 아버지는 루터가 변호사가 되기를 바랐는데 तो लूथर के पिता चाहते थे कि वो एक वकील बने. 루터 그날 막 너무 두려워서 하나님 앞에 서원을 했고 लेकिन लूथर उस रात इतना डर गया था कि उसने परमेश्वर के सामने ऐसी शपथ खा ली. 이제 수도원에 들어가기로 결정을 했습니다. और उसने मतलब सेमिनरी जाने का निर्णय ले लिया. 아버지는 굉장히 화를 냈지만 उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए. 루터는 그날 생각을 했습니다. लेकिन लूथर ने सोच के देखा 알렉시우스가 왜 죽었을까? मेरा दोस्त अलेक्सियस क्यों मर गया?
알렉시우스가 나보다 죄를 많이 지은 것도 아니고 तो ऐसा नहीं था कि उसने मुझसे ज्यादा पाप किए 나보다 못난 것도 아닌데 तो ऐसा नहीं था कि वो मुझसे किसी मामले में खराब था 알렉시우스가 죽은 이유는 그날 그 시간에 벼락이 치는 그 자리에 있었기 때문이다. तो क्यों क्योंकि वो इसलिए मर गया क्योंकि उस रात उस जगह पे बिजली गिर गई 만일에 내가 그 시간에 그 자리에 있었더라면 तो मान लो अगर मैं उस जगह पे उस रात को होता 내가 벼락에 맞아 죽었을 건데 तो मेरे ऊपर वो बिजली गिर जाती और मैं मर जाता 만일 하나님이 아무런 경고 없이 तो मान लो परमेश्वर बिना किसी चेतावनी के 내 영혼도 그렇게 찾으신다면 तो मेरे प्राण को अगर ऐसे ले लेता 내 영혼은 어떻게 될 것인가? तो मेरे प्राण का क्या होता? मेरा आत्मा कहां जाता? 루터는 하나님 앞에 설 준비가 되어 있지 아니한 자신의 영혼의 모습을 발견하면서 तो जब लूथर ने अपने प्राण का रूप देखा कि मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए अभी तैयार नहीं हूं 내가 구원을 받는 것보다 중요한 일이었구나. तो उसे यह पता चला कि उद्धार पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता. 그래서 이제 수도원에 들어가서 इसीलिए मतलब वो सेमिनरी चला गया. 수도원의 모든 규칙을 지켰습니다. और सेमिनरी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को वो मानता था. 기도도 많이 하고 प्रार्थना बहुत ज्यादा करता था. 금식도 하고 उपवास करता था. 철야도 하고 और रात रात तक बैठ के मतलब भजन प्रार्थना करता था. 엄격하게 수도원의 규칙을 지키면서 तो उसने पूरी लगन से सेमिनरी के सब मतलब नियमों का पालन किया था. 이제 죄를 짓지 않고 선하게 살려고 애를 쓰기 시작합니다. और उसने मतलब पाप ना करके भलाई से अपना जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया. 아무리 애를 써도 죄와의 싸움에서 이길 수가 없었습니다. लेकिन कितनी भी उसने मतलब कोशिश की वह पाप से जो लड़ाई उसके मन में चल रही थी वो उस पे जीत नहीं पाया. 루터는 죄 때문에 너무 괴로워했고 तो लूथर पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था. 바람에 흔들리는 나뭇잎만 보면 나뭇잎만 보아도 막 부들부들 떨었습니다. तो मतलब जैसे वो हवा से पत्तों को हिलते हुए देखता था वो उससे भी डर जाता था और घबरा जाता था. 하나님 거룩하시기 때문에 क्योंकि परमेश्वर पवित्र है. 죄를 가지고는 하늘나라 들어갈 수가 없는데 पाप को लेकर मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता. 루터가 선하게 살려고 애를 쓰고 तो लूथर ने सबमें भलाई करने की बहुत कोशिश की. 계명이나 율법을 지키려고 애를 썼지만 और उसने व्यवस्था या आज्ञाओं का पालन करने की बहुत कोशिश की. 죄와의 싸움에서 이길 수가 없는 자신을 발견하고 लेकिन उसने आविष्कार किया कि वह पाप से जो लड़ाई है उसमें जीत नहीं पा रहा है. 내가 지옥에 가면 어떡하지? तो उसे लगा कि अगर मैं नर्क चला गया तो क्या होगा? 너무너무 두렵고 괴로웠습니다. तो उसको बहुत डर लगा, वो बहुत घबरा गया. 아, 우리가 누가복음을 읽어보면 तो जब हम लूका की किताब को पढ़ते हैं 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे 예수님과 함께 두 강도가 십자가에 못 박혔습니다. तो यीशु के साथ दो मतलब कुकर्मी क्रूस पे चढ़ाए गए थे. 여러분 십자가에 못 박힌 걸 보면 तो जब उसने यीशु को क्रूस पे चढ़ा हुआ देखा 이 강도들은 죄질이 아주 안 좋았던 것 같아요. तो सच में actually इन दो कुकर्मियों ने बहुत ही गंभीर कोई पाप किया होगा इसलिए इन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया. 죄를 짓는다고 다 십자가에 못 박아 처형을 시키지는 않는데 क्यों क्योंकि मतलब छोटे मोटे अपराधी को ऐसे क्रूस की सजा नहीं दी जाती. 이 강도들을 십자가에 못 박은 거 보면 तो इन दो कुकर्मियों को क्रूस पे चढ़ाया गया इसका मतलब क्या हुआ? 이 강도들은 죄질이 아주 안 좋았다는 거죠. तो इसका मतलब इन्होंने बहुत गंभीर कोई पाप किया था. 근데 이 강도들이 십자가에 못 박혀서 लेकिन ये दोनों मतलब क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद 예수님을 향해서도 욕을 했어요. तो ये दोनों यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे. 한 강도만 욕을 한 게 아니고 तो ऐसा नहीं है कि वे एक ही उसकी निंदा कर रहा था. 마태복음 27장 44절에 보면 तो अगर हम मत्ती 27 के 44 को देखते हैं 두 강도가 다 예수님께 욕을 했다고 기록돼 있어요. तो वहां साफ लिखा हुआ है कि वो दोनों यीशु की निंदा कर रहे थे. 자, 예수님은 십자가에 못 박혀서 당신도 몹시 고통스러운데 तो यीशु मसीह क्रूस पे थे और सच में वो खुद बहुत पीड़ा में थे. 예수님은 당신의 육체의 고통을 개의치 아니하고 लेकिन यीशु मसीह ने सच में अपने शरीर की पीड़ा की ओर ध्यान ना देते हुए
이제 잠시 후에 세상을 떠나게 될 두 강도의 영혼을 위하여 간절히 구하셨습니다. 예수 마시네 사실에 온 두 제일로의 프라ण को लेकर परमेश्वर से बहुत ही मतलब मन से प्रार्थना की. 예수님이 두 강도를 위하여 간절히 기도하셨는데 예수 마시네 사실에 मन से उन दोनों के लिए प्रार्थना की. 예수님은 다른 어떤 것도 구하지 않으셨습니다. तो यीशु मसीह ने और कुछ क्रूस पे नहीं मांगा. 단 한 가지 기도만 하셨습니다. तो बस एक उन्होंने प्रार्थना की. 세상을 떠나기 전에 तो मतलब इस दुनिया को छोड़ देने से पहले 반드시 은혜를 입어야 하는 일. तो सबसे ज्यादा मतलब जिस वजह से उनको जरूर अनुग्रह पाना था. 이것만은 꼭 해결해야 되는 일이 있는데 तो एक चीज थी जिसको जरूर मतलब सुलझाना जरूरी था. 예수님은 그 일을 두고 기도를 하셨습니다. 예수 마시네 उस चीज के लिए प्रार्थना की. 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. तो हे प्रभु इनको क्षमा कर. 예수님은 두 강도의 죄를 사하여 달라고 기도하셨습니다. तो यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की कि प्रभु इनके पापों को तो क्षमा कर. 그 기도 외에 어떤 기도도 하지 않으셨습니다. इसके अलावा उन्होंने कोई लाइक प्रार्थना नहीं की. 자, 강도가 곧 죽는데 तो वो दोनों मतलब मरने वाले कुकर्मी थे. 하나님의 은혜를 입어서 죄 사함을 받고 세상을 떠나느냐? तो क्या ये दोनों परमेश्वर के अनुग्रह से पापों की क्षमा प्राप्त करके सच में इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे? 죄 사함을 받지 못하고 심판대 앞에 서느냐? या फिर पापों की क्षमा पाए बिना ये लोग परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े हो जाएंगे? 이것이 두 강도가 육체를 떠난 후에 이제 영원한 세계에서 지옥으로 갈 것인가 천국으로 갈 것인가를 결정하기 때문에. तो इस सच में इस समय से बंधी दुनिया से बाहर निकल के जब वो अनंत काल की दुनिया में जाएंगे तो ये निर्णय लिया जाएगा कि वे नर्क जा रहे हैं या स्वर्ग जा रहे हैं. 여러분 우리 인생에서 제일 중요한 문제가 뭐냐면 तो हमारे जीवन में सच में सबसे बड़ी हमारी मतलब जरूरी बात क्या है? 죄 사함을 받는 पापों की क्षमा प्राप्त करना है. तो मार्टिन लूथर는 죄 때문에 너무 괴로워하다가 तो मार्टिन लूथर पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था. 어느 날 성경을 읽게 됩니다. लेकिन एक दिन वो जब बाइबल पढ़ रहा था. 루터는 신학교에서 공부도 참 잘했고 तो लूथर मतलब थियोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई में भी बहुत उत्तीर्ण था. 예, 비텐베르그 대학 신학교 교수였고 तो विटेनबर्ग में जो थियोलॉजी कॉलेज था उसका वो प्रोफेसर था. 신학 박사였습니다. और वह थियोलॉजी में PhD था. 그러나 마음에 있는 죄를 씻지는 못했습니다. लेकिन अपने मन से वो मतलब पाप को धो नहीं पाया था. 루터에게 이제 루터를 구원의 길로 잘 이끌어준 훌륭한 스승이 하나 있었는데 तो लूथर का एक बहुत मतलब एक महान शिक्षक था जिसने लूथर की अगुवाई की. 슈타우피츠라는 그 신부였습니다. तो वो स्टाउपिच करके कोई एक कैथोलिक प्रीस्ट था. 이 슈타우피츠가 루터에게 성경을 읽어보라고 권했습니다. तो इस फादर ने मतलब इस प्रीस्ट ने लूथर को हमेशा बताया कि तू बाइबल पढ़. 루터가 성경을 깊이 묵상하고 있었습니다. तो लूथर मतलब गहराई से बाइबल के ऊपर मनन चिंतन कर रहा था. 어느 날 로마서 1장 17절 말씀을 깊이 묵상하는데 तो एक बार वो रोमियो एक अध्याय के 17 वचन पे मेडिटेट कर रहा था. 하나님이 루터의 영혼을 보시고 तो परमेश्वर ने सच में लूथर के प्राण को देखते हुए 루터의 영혼을 불쌍히 여겨서 उसके प्राण पे दया की. 복음의 진리를 깨닫게 해 주셨습니다. और उसे सुसमाचार की सच्चाई को पहचानने दिया. 아, 이 복음에는 하나님의 의가 나타나고 있는데 तो इस सुसमाचार में सच में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट है. 우리에게 의가 없기 때문에 하나님의 의를 받아들이는 것이 바로 믿음인데 तो हमारे पास क्योंकि धार्मिकता नहीं है इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना विश्वास है. 나는 지금까지 하나님께서 예수님을 통하여 우리에게 주시는 하나님의 의를 받아들이려고 하지 않고 तो मैंने अब तक सच में परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने की जरूरत को महसूस नहीं किया. 내 자신의 의를 세우는데 빠져 있었구나. मैं अब तक अपनी खुद की धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. 나는 자신의 의의를 세우려고 애를 썼는데 मैंने खुद की धार्मिकता को स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश किया. 내게는 의의가 없구나. लेकिन असलियत में मेरे अंदर धार्मिकता नहीं है. 그래서 내 자신의 의의를 세우려고 애를 쓰는 게 신앙이 아니고
तो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करना आत्मिक जीवन नहीं है। 나에게는 선이 없고 의가 없다는 걸 깨닫고 तो ये पहचानना ये रियलाइज करना कि मेरे अंदर धार्मिकता मेरे अंदर अच्छाई नहीं है। 예수님의 의를 받아들이는 것이 구원이구나. 이슈 마시기 다르믹타고 스피카르 카나 우드하르 해. 신앙은 내가 십계명을 지키고 또 아트믹 지반 하메다사 아그냐옹 카 팔란 카룽. 내가 율법을 지키려고 애를 쓰고 오르메 베바스타고 만네 키 보헛 코시시 카룽. 선을 행하려고 애를 쓰는 게 아니라 또 발라이 아차이 카르네 키 코시시 카르나 아트믹 지반 네이 해. 내 죄를 깨닫고 अपनी बुराई को पहचानना 나의 연약함과 부족함을 깨닫고 तो अपनी कमियों कमजोरियों को पहचानना 하나님의 은혜 앞에 나아가는 것이구나 तो परमेश्वर के अनुग्रह के सामने जाना 우리가 선하게 살 수 없기 때문에 तो हम क्योंकि खुद अच्छा जीवन नहीं जी सकते 우리가 우리의 죄를 해결할 수 없기 때문에 क्योंकि हम अपने पाप को खुद नहीं सुलझा सकते 예수님이 이 땅에 오셔야 했고 इसीलिए यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा 하나님께서 우리의 모든 죄를 예수님께 담당시켰고 और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया 우리의 죄가 예수님께 담당되었기 때문에 क्योंकि हमारे सारे पापों की जिम्मेदारी यीशु मसीह ने उठा ली 예수님이 우리를 대신하여 십자가에 못 박혀야 했고 इसलिए यीशु को हमारी जगह पे क्रूस पे मरना पड़ा 예수님이 우리를 대신하여 그 죄의 벌을 받으셨구나 हमारी जगह उसे पाप की सजा को प्राप्त करना पड़ा 그리고 우리를 위하여 예수님이 십자가에 피를 흘려 주심으로 और हमारे लिए क्योंकि उसने क्रूस पे लहू बहाया 그 피로 우리의 모든 죄를 영원히 씻어 주신 거구나. तो उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप जो हैं वो अनंत काल के लिए धुल गए. 예수님의 피가 우리의 모든 죄를 씻었기 때문에 क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए. 그래서 하나님은 우리를 의롭다고 하시는구나. तो इसीलिए परमेश्वर हमको धर्मी कहता है. 이 복음의 진리를 깨닫게 되면서 जब उन्होंने सुसमाचार की सच्चाई को पहचाना 루터는 간증을 하기를 तब लूथर ने क्या गवाही दी 그날 나는 비로소 내 앞에 열린 천국 문으로 들어가는 느낌을 받았다 이렇게 얘기했어요. तो उसने ऐसे गवाही दी कि उस दिन सच में लहू के द्वारा मैंने अपने सामने स्वर्ग के खुले हुए द्वार को महसूस किया 마르틴 루터는 이런 이야기를 했습니다. तो मार्टिन लूथर क्या कहता था 빨래를 잡아와라. 좀 कपड़ों को निचोड़ो. 물이 나올 것이다. 무슨 पानी निकलेगा. 성경을 잡아와라. 바이블 को निचोड़ो. 피가 나올 것이다. इसमें से लहू निकलेगा. 구약을 짜면 어린 양의 피가 나오고. तो पुराने नियम को निचोड़ोगे तो तुम्हें मेमने का लहू दिखाई देगा. 신약을 짜면 예수님의 피가 나올 것이다. नए नियम को निचोड़ोगे तो तुम्हें यीशु का लहू दिखाई देगा. 성경의 어느 곳을 찔러도 그리스도의 피가 나온다. 또 तुम बाइबल के किसी भी कोने को सच में मार के देख लो वहां पे तुम्हें यीशु का लहू दिखाई देगा. 성경에서 피를 보지 못하면 영적 소경이다. तो बाइबल में अगर तुम लहू को नहीं देख पा रहे हो तो तुम आत्मिक अंधे हो. 예, 너무너무 은혜스러운 말씀이죠. तो बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ वचन है. 여러분 우리가 신앙생활에 가장 중요한 것은 마음에 있는 죄를 깨끗하게 씻고 의롭게 되는 것입니다. 또 असल में हमारे आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है? हमारे मन के पाप को स्पष्ट साफ करना और धर्मी बनना. 예, 저는 신학교에서 교회 역사를 강의하고 있는데. मैं थियोलॉजी कॉलेज में क्रिश्चियन हिस्ट्री पे प्रचार करता हूं. 저는 많은 귀한 하나님의 종들의 설교와 간증을 읽어봤습니다. तो मैंने बहुत से बहुमूल्य परमेश्वर के सेवकों की किताबें और उनकी गवाहियां पढ़ी हैं. 마르틴 루터 신앙의 핵심을 한마디로 이야기하면 तो मार्टिन लूथर के आत्मिक जीवन के अगर आप मेन पॉइंट को एक बात में बताओगे 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 의롭게 된다. तो यीशु मसीह पे विश्वास से धर्मी ठहरना. 예, 이것이 루터 신앙의 핵심입니다. तो ये लूथर के आत्मिक जीवन का मतलब केंद्र है. 우리가 죄를 깨닫고 तो पापों को पहचानना 이 죄를 가지고는 하늘나라에 갈 수 없다는 사실을 깨닫고 और ये जानना कि इस पाप की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा सकते 하나님 앞에 마음을 낮추고 और परमेश्वर के सामने अपने मन को नम्र बनाना 하나님 말씀 앞에 마음을 열어서 परमेश्वर के वचन के सामने अपने मन को खोलना
예수님이 십자가에 흘리신 그 보혈의 능력을 받아들이고 이슈 마시키 크루즈에 바하에 후에 라후키 타깟코 스위카르 카르나 우리 마음에 있는 모든 죄를 씻고 और अपने मन से सब पाप को धो लेना 우리가 의인으로 거듭나야 하는 것입니다. और एक धर्मी के रूप में दोबारा जन्म लेना 오늘날 많은 사람들이 죄를 두려워하지 않습니다. तो आज बहुत लोग पाप से डरते नहीं है 죄의 심각성과 죄의 위험성을 깨닫지 못하는 사람 너무 많습니다. तो बहुत से लोग पाप की सीरियसनेस को पाप कितनी गंभीर और कितनी डरावनी चीज है नहीं समझते हैं 잠언 14장 9절에 보면 तो जब आप नीति वचन 14 के 9 को देखेंगे 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라 तो वहां लिखा है कि मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है 자 어떤 사람은 미련한 사람입니까 तो मूर्ख कौन है मूर्ख कौन है 죄를 심상히 여기는 사람 तो अपने पाप को गंभीर रूप से ना लेने वाला व्यक्ति 여러분 로마서 5장 12절에 보면 죄로 말미암아 사망이 왔다고 기록돼 있습니다. तो रोमियो 5의 12절에 लिखा है कि पाप की वजह से मृत्यु इस जगत में आ गई. 로마서 6장 23절에 보면 죄의 삯은 사망이라고 기록돼 있습니다. तो रोमियो 6에 लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है. 여러분 성경에는 두 가지 사망이 나옵니다. तो बाइबल में हम दो मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं 첫째 사망이 있고 둘째 사망이 있는데 वो एक पहली मृत्यु है और एक दूसरी मृत्यु है 요한계시록 20장 6절에 보면 तो प्रकाशित वाक्य 20 के 6 को जब हम देखेंगे 둘째 사망이 나옵니다 तो यहां दूसरी मृत्यु के विषय में लिखा है 요한계시록 20장 14절에도 둘째 사망이 나옵니다 तो प्रकाशित वाक्य 20 के 14 में भी दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है 자, 둘째 사망이 나오는 걸 보면 첫째 사망이 있다는 거죠. 이한 दूसरी मृत्यु लिखा हुआ है इसका मतलब पहली मृत्यु भी है. 첫째 사망은 무엇이고 둘째 사망은 뭐냐? पहली मृत्यु क्या है और दूसरी मृत्यु क्या है? 첫째 사망은 육체 안에 머물고 있던 내 영혼이 육체를 떠나가는 겁니다. तो पहली मृत्यु मेरे प्राण मेरे आत्मा का शरीर को छोड़ देना है ये यंगोनी 육체와 분리되는 일이죠 मेरा प्राण मेरा आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गया 그럼 둘째 사망은 뭐냐 और दूसरी मृत्यु क्या है 요한계시록 20장 14절에 보면 तो प्रकाशित वाक्य 20 के 14 में जो हम देखते हैं 둘째 사망은 불못이라고 기록되어 있습니다 तो यहां लिखा है कि दूसरी मृत्यु आग की झील है 예, 요한계시록 21장 8절에도 둘째 사망이 나오는데 오, 프라카시트 와케 21개 8에 비 둘째 미트케 비시메 리카 해. 여기서 둘째 사망은 불과 유황으로 타는 못이라고 기록되어 있습니다. 또 यहां लिखा है कि दूसरी मृत्यु उस झील में मिलेगी जो आग और गंधक से जलती रहती है. 자, 첫째 사망은 우리가 일반적으로 말하는 죽음을 가리키고 तो पहली मृत्यु जो हम नॉर्मल तरीके से इंसान मौत जिसे कहता है 둘째 사망은 육체를 떠난 내 영혼이 죄로 말미암아 영원한 지옥에 떨어지는 걸 이야기합니다. तो दूसरी मृत्यु क्या है? पाप की वजह से मेरे प्राण मेरे आत्मा का अनंत काल के नरक में डाला जाना. 우리가 왜 죄 사함을 받아야 됩니까? तो पापों की क्षमा प्राप्त करना क्यों आवश्यक है? 예, 죄로 말미암아 내 영혼이 육체를 떠날 뿐만 아니라 तो पाप की वजह से ना केवल मेरा जो ये प्राण आत्मा है वो एक दिन शरीर से बाहर जाएगा 육체를 떠난 영혼이 하나님의 심판을 받고 영원한 지옥에 들어가기 때문입니다. तो सच में पाप की वजह से पाप रखा हुआ जो आत्मा होगा वो अनंत काल की मृत्यु नरक में जाएगा. 오늘날 많은 사람이 사탄에게 속아서 तो आज बहुत से लोग शैतान से धोखा खाते हैं. 자기 영혼의 문제를 진지하게 생각하지 않고 तो वे अपने प्राण अपने आत्मा की समस्या को सीरियसली नहीं लेते हैं 이 죄를 두려워하거나 죄 때문에 괴로워하지 않습니다. तो पाप से डरते नहीं है पाप की वजह से अपने मन में दुख महसूस नहीं करते हैं 여러분 성경은 죄의 삯이 사망이라고 이야기합니다. तो बाइबल हमें कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है 죄를 가지고는 절대로 하늘나라에 들어갈 수가 없습니다. तो पाप को लेकर कभी भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते 자 우리 조상 아담이 하나님의 말씀을 어기고
तो हमारे पूर्वज आदम ने सच में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया 선악과를 따먹었습니다. और उसने भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया. 인간이 죄를 지었고 और सच में सब मनुष्य ने पाप किया. 우리는 범죄한 아담의 후손으로 태어났습니다. और हम सच में पाप किए हुए आदम की संतान के रूप में इस दुनिया में पैदा हुए हैं. 아담 안에서 태어난 모든 사람들은 तो आदम में पैदा हुए सब मनुष्य 나면서부터 죄인으로 태어났습니다. तो वे मतलब पापी पैदा हुए हैं. 우리 날 때부터 죄 아래서 태어났습니다. तो हम जब से पैदा हुए हैं पाप के अंदर पैदा हुए हैं. 그래서 이제 모든 사람에게 저주와 사망이 오게 되었습니다. इसलिए सबके ऊपर श्राप और मृत्यु आए बिना नहीं रह सकती. 여러분 늙은 사람도 죽지만 तो बूढ़े लोग भी मरते हैं. 어린아이도 죽고 लेकिन बच्चे भी मर जाते हैं. 젊은 사람도 죽고 जवान लोग भी मर जाते हैं. 착한 사람도 죽고 दुष्ट लोग भी मरते हैं. 예쁜 사람도 죽고 अच्छे लोग भी मरते हैं. 똑똑한 사람도 죽습니다. तो सुंदर लोग होशियार लोग हर प्रकार के लोग मरते हैं. 모든 사람에게 사망이 찾아오는 걸 보면 तो जब हम देखते हैं कि हर एक मृत्यु हर एक व्यक्ति के ऊपर मौत आती है 모든 사람에게 죄가 들어왔다는 사실이 분명한 것입니다. तब हम और क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं कि सब मनुष्य के अंदर पाप है. 어떤 사람이 쓴 글에 तो किसी ने एक लेख लिखा 지상 최대의 정복자라는 제목의 글이 있었습니다. 또 다시 말씀해주세요. 지상 최대의 정복자, 정복자 컨커. 또 मतलब शुरुआत के जो जीतने वाले थे जयवंत लोग थे उनके विषय में. 자, 이 세상에 많은 정복자들이 있었습니다. दुनिया में बहुत सारे जैसे जयवंत लोग हैं. 이제 그 마게도니아의 알렉산더나 तो मैकेडोनिया में हम अलेक्जेंडर को देखते हैं. रोमाये सीजना तो रोमियो का सीजर कैसर जो राजा था. फ्रांसे नापोलियन या फ्रांस में जो नेपोलियन था. मंगोले चिंगिस खान और मंगोल में चिंगिस खान था. 이런 많은 정복자들이 있었는데 तो इस प्रकार के मतलब बहुत सारे ये कॉन्करर्स थे जिन्होंने बहुत सारे देशों को अपना बना लिया था. 그들보다도 훨씬 더 강력한 정복자가 있었다는 거죠. लेकिन उनसे भी ज्यादा गंभीर एक बड़ा कॉन्करर था. 세상의 모든 사람을 정복한 정복자. तो एक ऐसा कॉन्करर मतलब एक ऐसा जीतने वाला जो सारे लोगों के ऊपर अधिकार रखता है. 그 정복자의 이름이 사망이라는 거죠. तो वो जीतने वाला सच में मौत है. 예, 사망은 똑똑한 사람도 정복하고 तो मौत सच में होशियार पे भी जीत जाती है. 능력 있는 사람도 정복하고 ताकतवर पे भी जीत जाती है. 왕도 정복하고 राजा पे भी जीत जाती है. 모든 사람을 정복했습니다. हर व्यक्ति पे जीत जाती है. 자, 이제 죄로 말미암아 사망이 왔기 때문에 तो पाप की वजह से क्योंकि मृत्यु आ गई 우리가 사망에서 벗어나고 तो अगर हमें इस मृत्यु से आजाद होना है 영원한 생명을 얻어서 하늘나라에 가려면 और अनंत जीवन प्राप्त करके स्वर्ग में जाना है 다른 일을 해야 되는 게 아니고 마음에 있는 모든 죄를 씻어야 하는 겁니다. तो हमें और कुछ नहीं करना है. उसके लिए हमें हमारे मन के पाप को धोना है. 많은 사람들이 죄의 심각성을 모르는 거예요. तो आज ज्यादातर लोग मतलब इस पाप की गंभीरता को नहीं समझते हैं. 마르틴 루터는 이야기를 했습니다. तो मार्टिन लूथर क्या कह रहा था? 우리가 하늘에 닿을 수 있으려면 तो अगर हम स्वर्ग जा सकें 먼저 지옥에 내려가지 않으면 안 된다. 어, 스워르 जाने के लिए पहले तुम्हें नर्क में उतरना होगा. 우리가 하나님의 자녀가 되려면 तो अगर तुम्हें परमेश्वर की संतान बनना है 먼저 마귀의 자녀라는 사실을 깨달아야 한다. पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम शैतान की संतान हो. 정말 아멘이 되는 말씀입니다. तो कितना मतलब हम इस वचन पे आमेन बोल सकते हैं. 한국에 제 친구 목사님이 한 분이 있습니다. तो कोरिया में मेरे एक दोस्त पास्टर हैं. 이제 아버지가 농사를 짓는 분인데. तो उनके पिताजी एक किसान थे. 논산이라는 도시에 살고 있었어요. तो 논산 करके एक जगह है जहां पे वो रहते थे. 이제 한국에 가을이 되면 이제 벼를 수확을 하는데 벼를 거두어 드리는데. तो कोरिया में जैसे पतझड़ का मौसम होता है तो चावल के खेत में कटाई करते हैं. 이제 이 목사님하고 목사님 동생하고 아버지를 따라
별을 베기 위하여 논으로 갔습니다. तो एक बार ये पास्टर और उनके छोटे भाई अपने पिताजी के साथ साथ फसल काटने के लिए खेत में गए। 근데 이 동생이 아버지 저 산에서 좀 놀다 올게요 이야기했어요. 이 छोटे भाई ने बोला कि पिताजी मैं थोड़ा सा पहाड़ पे थोड़ा सा खेल के आता हूँ। 어 그래 조심해라. तो ठीक है ध्यान से जाना. 야, 한국은 가을이 되면 산에 많은 과일이나 열매들이 익어요. तो कोरिया में क्या होता है कि जब पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ों के ऊपर बहुत लाइक फल लगे हुए होते हैं. 근데 이 동생이 산에 막 돌아다니다가 तो ये दोस्त मतलब ये जो पासर का जो छोटा भाई था ये इधर उधर घूम रहा था पहाड़ों के ऊपर. 갑자기 막 큰 소리로 외쳤어요. 어쩌면 무슨 ऊंची आवाज में कहा. 아버지 아버지 저 뱀에게 물렸어요. पिताजी पिताजी मुझे सांप ने काट लिया. 여러분 화면에 뱀이 보입니까? 아까 사람 दिखाई दे रहा है. 이게 목사님. 예, 한국의 이 독사는 굉장히 무섭습니다. 또 코리아의 저 제리라 사람보다 더 드라마나 होता है. 야, 한국은 사계절이 뚜렷한데. 또 코리아의 मतलब 4 मौसम बहुत स्पष्ट रूप से होते हैं. 예, 봄에는 뱀이 독이 별로 안 이제 강하지 않아요. 또 जो मतलब वसंत ऋतु होती है उसमें मतलब सांपों में कहते कि ज्यादा जहर नहीं होता. 겨울에 땅 속에서 이제 겨울 잠을 자고 나오기 때문에. 그렇기 सर्दियों में वो लोग मतलब जमीन के अंदर घुस के सो जाते हैं और फिर मतलब वसंत ऋतु में बाहर निकलते हैं. 가을이 되면 이 뱀이 땅 속에 들어가서 이제 지낼 준비를 하기 때문에 뭐 여러 가지 이제 막 그 개구리도 잡아먹고 들쥐도 잡아먹어 독이 굉장히 강해져요. लेकिन जो पतझड़ का मौसम होता है तब ये लोग तैयारी करते हैं अपने हाइबरनेशन की मतलब जमीन के अंदर जाके सोने की. इसलिए ये वो मतलब मेंढक चूहे ये वो खा के मतलब तंदुरुस्त होते हैं. इसलिए इनके अंदर बहुत जहर होता है. ये 여러분 사진에 보는 이 한국의 독사는 तो ये आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा है ये कोरिया का जहरीला सांप है. 이 독사에게 물리면 일곱 걸음을 걷기 전에 죽는데요. तो ये सांप अगर आपको डस जाएगा तो आप 7 कदम आगे रखने से पहले मर जाओगे. 근데 이 목사님 동생이 독사에게 물린 거예요. 또 이 바스게 바이고 मतलब सांपने डस लिया. 아버지가 막 그 이야기를 듣고 쏜살같이 막 아들에게 달려갔어요. तो पिताजी는 जैसे ये बात सुनी वो तेजी से दौड़ते हुए मतलब वहां गए. 자 이제 아들이 발 뒤꿈치가 뱀에게 물렸는데 लेकिन उसके मतलब जैसे एड़ी के ऊपर उसने सांपने काटा हुआ था. 아버지가 입고 있던 막 와이셔츠를 쫙 찢어 가지고 또 저 셔츠 피타지네 페나 와서 그 एकदमसे उन्होंने फाड़ा. 무릎 위를 묶어서 지혈을 시켰어. और मतलब उसको ऊपर बांध दिया टाइट से. 이 뱀의 독이 혈관을 타고 심장으로 들어가면 죽기 때문에 क्योंकि ये जो जहर है ये आपके नर्व से मतलब आगे बढ़ता हुआ दिल तक अगर पहुंचेगा तो इंसान मर जाएगा. 뱀에게 물리면 뱀 먼저 지혈을 시켜야 돼. तो सबसे पहले मतलब इस बात का बचाव करना होता है अगर किसी को सांप डस जाए तो. 그러니까 이제 무릎을 묶으면 이제 병원까지는 갈 수 있겠다. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसके मतलब घुटने के ऊपर बांध दूंगा तो कम से कम मैं इसे अस्पताल तक ले जा सकूंगा. 아버지가 이 아들을 꼭 막 병원으로 달려갔습니다. तो फटाफट से इसको उठा के पिताजी अस्पताल ले गए. 의사 선생님에게 사정을 이야기하고 और डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है. 아들을 좀 살려달라고. और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो. 그래 이제 지혈을 시켜서 왔으니까. और क्योंकि मतलब ये उसके मतलब अच्छे से बांध के लेके गए थे. 의사 선생님이 소독을 하고 주사를 한 대 놓았습니다. तो डॉक्टर ने मतलब इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा डिसइंफेक्ट किया जहां पे काटा था और इसको एक इंजेक्शन लगाया. 그리고 이제 약을 먹으라고 했습니다. और डॉक्टर ने बोला कि दवाई खा लेना. 하룻밤을 좀 지켜보자고. और डॉक्टर ने बोला कि एक रात इसको ऑब्जर्व करते हैं. 그래서 이제 아버지가 아들을 병원에 입원시켜 놓고 또 पिताजी ने इसको अस्पताल में भर्ती करवाया. 집에 가 잤는데 और वो खुद मतलब घर वापस चले गए. घर पे जाके सो गए. 그다음 날 아침에 아들이 좀 어떤가 해서 병원에 가 봤습니다. तो अगले दिन मतलब देखने गए कि बेटे का क्या हाल है. 아들 다리가 퉁퉁 부어 있고 막 시퍼렇게 변해 있는 거예요. तो इस बेटे की जो टांग थी मतलब बहुत ज्यादा सूज गई थी और बिल्कुल उसका रंग बदल गया था. 아버지가 깜짝 놀랐습니다. तो पिताजी देख के हैरान हो गए. 의사 선생님, 의사 선생님. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब. 빨리 와 보세요. जल्दी आइए. 이 우리 아들 다리 좀 보십시오. तो इसके पैर को देखिए क्या हो गया. 다리가 이렇게 퉁퉁 부었는데. तो इसकी टांग मतलब क्यों इतनी सूज गई है. 괜찮겠습니까?
ठीक है ये? 의사도 깜짝 놀라면서 डॉक्टर खुद हैरान हो गया. 아, 이거 이렇게까지 심각할 줄 몰랐는데. डॉक्टर बोल रहे कि मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस है. 우리 병원에서는 안 되겠습니다. डॉक्टर ने बोला कि हमारे अस्पताल में हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे. तो आप जल्दी बड़े अस्पताल ले जाइए. 아버지가 그 아들을 차에 태워 가지고 그 도시에서 제일 큰 병원으로 갔어요. तो पिताजी ने फटाफट से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और सबसे बड़े अस्पताल अपने शहर के उसको ले गए. 그래서 큰 병원의 의사에게 우리 아들이 지금 뱀에게 물려 가지고 다리가 이렇게 됐는데. तो डॉक्टर को जाकर उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया था इसलिए उसकी मतलब टांग ऐसी हो गई है. 제발 제 아들 좀 살려 주세요. Please 메레 베테고 바차 리지에. 근데 그 도시에서 제일 큰 병원의 의사가 또 उस शहर का सबसे मतलब बड़े अस्पताल का जो डॉक्टर था. 아, 이거 너무 늦었습니다. तो उसने बोला कि अब बहुत देर हो गई है. 우리 병원에서 어떻게 할 수가 없습니다. तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते. 아니, 어떻게 좀 살려 주세요. Please मतलब कुछ तो कीजिए इसे बचा लीजिए. 자식이 죽어가는데 제발 좀 살려 주십시오. 베타 मर जाएगा आप कुछ तो कीजिए. 부모님의 마음은 충분히 이해가 가지만 우리가 살릴 수가 없습니다. तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं आपका मन समझ सकता हूं आप इसके मां-बाप हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता. 아버지는 아들이 죽어가는 모습을 그냥 지켜보고 있어야 했습니다. तो अब मतलब ऐसे हालात थे कि इस पिताजी को बस अपने बेटे को मरते हुए देखना था. 아버지가 막 가슴이 찢어지는 거예요. तो उसका मन मतलब कितना पीड़ा में था. 어떻게 하지? तो मैं क्या करूं? 근데 몇 년 전에 몇 개월 전에 어떤 사람으로부터 들은 이야기가 하나 떠올랐습니다. लेकिन तब अचानक से कुछ महीने पहले उसने किसी के द्वारा एक बात सुनी थी वो बात उसे याद आई. 그 옆에 천안이란 도시가 있는데. तो आसपास छनान नाम का एक शहर है. 거기 한 노인이 계시는데. तो वहां पे कोई बुजुर्ग आदमी है. 이 노인은 뱀에게 물린 사람은 어떤 사람인지 다 살려내는 신통한 노인이라는 거예요. तो इन्होंने सुना था कि उस मतलब बूढ़े आदमी के पास कुछ ऐसा टैलेंट है कि किसी को भी सांप डस जाए उसको बचा लेता है. 그분에게 연락을 해봐야 되겠다. तो उसने सोचा कि मैं इसको कांटेक्ट करता हूँ. 그래 막 급히 연락을 해보니까. तो फटाफट से उसे कांटेक्ट किया. 마침 그 노인이 거기에 계시는 거예요. तो मतलब वो जो बूढ़ा आदमी था वो लकीली उसी जगह पे था. 할아버지, 제 아들이 뱀에게 물렸는데. तो दादाजी मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है. 병원에서는 더 이상 어떻게 할 수가 없답니다. तो अस्पताल में डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे. 제가 아들을 데리고 지금 빨리 갈 테니까. तो मैं जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पहुंचता हूँ. 딴 데 가지 마시고 좀 기다려 주십시오. तो आप कहीं मत जाइए प्लीज वहीं पर रुकिए. 그리고 아마 아들을 차에 싣고 급히 달려갔어요. 또 फटाफट से उसको गाड़ी में डाल के मतलब ले गए. 이 할아버지가 아들의 다리를 보더니 तो जब इस दादाजी ने इस बेटे के टांग को देखा. 내가 뱀에게 물린 사람 웬만하면 살려내는데. तो मैं मतलब सांप से डसे हुए व्यक्ति को कैसे भी मतलब बचा लेता हूं. 너무 늦었습니다. लेकिन आप बहुत लेट आए हो. 한 가지 방법이 있기는 한데. एक तरीका है. 혹시 내가 시키는 대로 하면 살릴 수 있을지도 모르겠습니다. जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप वैसा करेंगे तो हो सकता है बच जाए. 그 방법이 뭡니까? तो क्या तरीका बताइए? 지금 빨리 웅덩이나 연못이나 개울에 가서. तो आप कहीं मतलब कोई आसपास जहां पे भी कोई कुआं हो कोई पानी की जगह हो वहां पे जाइए. 그 머리를 있는 대로 잡아오세요. 리츠 거머리. 또 이 리츠 जो होता है लीच को पकड़ के लेके आए जो खून चूसने वाला लीच होता है. 예, 그래 가지고 이 아버지가 거머리를 잡아오라고요. 또 리츠 को पकड़ के लेके आऊं. 한국에는 이런 웅덩이에 거머리가 굉장히 많아요. तो मतलब क्या कहते हैं कोरिया में ऐसी जगहें बहुत होती हैं. 그래서 이제 이 거머리를 잔뜩 잡아왔습니다. 또 बहुत सारी मतलब लीच को पकड़ के ले आए. 할아버지가 아, 이 정도면 됐다고. तो उस दादाजी ने बोला कि ठीक है इतना काफी है. 여러분 이 거머리는 사람에게 달라붙는 표도 안 이제 달라붙는 걸 느끼지도 못하게 싹 달라붙어가 피를 빨아먹는 거예요.
ये लीच मतलब ऐसा कीड़ा होता है जो कि आदमी के मतलब स्किन से ऐसे जुड़ जाता है कि पता भी नहीं चलता और उसको खून चूस लेता है।근데 이 할아버지가 거머리 네 마리를 뱀의 이빨 자국에 딱 붙이는 거예요. तो इस दादाजी ने क्या किया कि चार लीचों को जहां मतलब सांप के डसे हुए के दांत के निशान थे वहां पे उसने लगा दिया।야, 이 거머리들은 상처가 없는 맨살에도 붙어가지고 피를 쫙쫙 빨아먹는데. तो उसने कहा कि ये जो लीच है जहां पे चोट भी ना लगी हो ऐसे भी स्किन के ऊपर लाइक चिपक के इंसान का खून चूस लेते हैं।독사에게 물린 이빨 자국이 있는 곳에 이 거머리 네 마리를 딱 붙이니까. 또 मतलब जहां पे जो सांप के दांतों का निशान था जब वहां पे उसने चार लीच को चिपका दिया거머리들이 막 피를 쭉쭉 빨아먹기 시작하는 거예요. तो ये लीच ने फटाफट से उसका खून चूसना शुरू कर दिया।거머리가 피를 많이 빨아먹으면 배가 불룩해져요. तो जब लीच बहुत खून चूस लेते हैं तो इंसान का जो पेट है वो फूल जाता है।그 피를 빨아먹으면서 피 속에 섞인 뱀의 독도 이제 같이 빨아먹는 거죠. तो मतलब जैसे ही उसका खून चूस रहे हैं तो वो उस खून में मतलब जो सांप का जहर मिल गया उस जहर को भी ये लोग चूस रहे हैं।거머리 한 마리가 배가 불룩해지더니 तो मतलब ये खून चूसे चूसते इन मतलब क्या कहते हैं लीच का पेट लाइक बड़ा हो गया뚝 떨어지는 거예요. और जैसे इनका पेट भर गया एकदम से ये उतर गए उसके पैर से। तो왜냐면 사람 피만 빨아먹는 게 아니고 ये ना केवल मतलब खून को चूस लेते हैं그피 속에 섞인 뱀의 독을 같이 빨아먹었으니까. 이놈의 मतलब खून के साथ साथ उस जहर को भी चूस लिया। 그러니까 이 할아버지가 다시 새로운 거머리를 한 마리 딱 붙이는 거예요. 또이 दादाजी ने क्या किया कि एक और लाइक लीच वहां पे चिपका दिया। 그래가지고 이 거머리들이 죽어가면서 그 목사님 동생의 피 속에 있는 독을 다 빨아들인 거예요. 또인ये लीच मतलब उस पास के भाई के खून को चूसते गए और चूसते चूसते मतलब जो उसके शरीर में जहर था वो भी उन्होंने चूस लिया।그 동생이 아직까지도 살아 있습니다. और वो छोटा भाई आज भी जिंदा है। 예, 여러분 로마서 5장 12절에 보면 तो रोमियो 5 के 12 में क्या लिखा है? 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 तो ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आ गया।자, 세상에 죄가 들어왔다는 거예요. तो पाप जगत में आ गया ऐसा लिखा हुआ है। 그리고 죄로 말미암아 사망이 왔다는 겁니다. और पाप के द्वारा मृत्यु आई। 자, 세상에 죄가 들어오면서 사망이 오게 됐습니다. 또 जैसे जगत के अंदर पाप आया तो पाप के साथ साथ मृत्यु जगत में आ गई। 자, 이 목사님 동생 몸에 뱀의 독이 들어오면서 तो इस पास्टर के भाई के शरीर में जब सांप का जहर आ गया이 동생이 죽어가는 거예요. 또उस जहर की वजह से ये भाई मरने वाला था। 여러분, 뱀의 독이 사람 몸에 들어오면 तो जब सांप का जहर इंसान के शरीर में चला जाता है그냥 있지를 않고 तो ऐसे उसे छोड़ता नहीं है। तो몸을 파괴시키고 वो मतलब शरीर को बर्बाद करना शुरू कर देता है몸에 말할 수 없는 고통을 주면서 और शरीर को बहुत ज्यादा पीड़ा और कष्ट देता है।그 독을 제거하지 아니하면 और जब तक आप उस जहर को उस व्यक्ति के शरीर से बाहर नहीं निकालोगे결국은 사망을 당하게 됩니다. 또वो व्यक्ति इसमें मर जाएगा। 자, 몸에 들어온 뱀의 독은 우리 육체를 죽게 만들지만 तो शरीर में आया हुआ जहर चाहे हमारे शरीर को मार डालता है।성경은 세상에 죄가 들어왔다는 거예요. 또 बाइबल कहती है कि पाप जगत में आ गया। 여러분, 죄는 물질이 아닙니다. 또 पाप कोई मतलब चीज नहीं है। 죄는 우리 인간의 마음에 들어와서 तो पाप मनुष्य के मन में आ गया।우리의 영혼을 더럽히고 तो उसने हमारे आत्मा को हमारे प्राण को गद्दा कर दिया우리의 영혼을 파괴하고 और हमारे प्राण को नाश करना शुरू किया। 우리 영혼을 영원한 멸망에 이르게 만드는 겁니다. और उसने हमारे आत्मा को अनंत काल के नाश की ओर अगुवाई करना शुरू कर दिया।자, 뱀에게 물려서 죽어가는 이 동생이 살려면 तो सांप से डसे हुए अगर इस भाई को जीवित रहना था그몸 안에 들어온 독을 전부 뽑아내야 됩니다. 또 उसके शरीर से जहर को बाहर निकालना जरूरी था। 세상에 들어와서는 안될 것이 들어왔습니다. 또 जो चीजें मतलब शरीर में नहीं होनी चाहिए वो चीजें क्योंकि उसके शरीर में चली गई।
사탄을 통하여 인간들의 마음에 죄가 들어온 것입니다. 또 उसी प्रकार इस जगत के अंदर जो नहीं होना चाहिए था वो पाप शैतान के द्वारा आ गया. 예, 우리가 멸망에서 구원을 받으려면 또 अगर हमें मृत्यु से उद्धार चाहिए 우리 마음에 들어온 모든 죄를 없애야 된다. 또 हमारे मन में आया जो सारा पाप है उसे बाहर निकालना जरूरी है. 예, 뱀의 독을 내 몸 안에 두고 살 수가 없는 것처럼 तो जिस प्रकार हम सांप के जहर को अपने शरीर में रहने देते हुए जिंदा नहीं रह सकते. 암만 착해도 कितना भी हम अच्छे इंसान हों 암만 똑똑해도 कितने भी हम होशियार हों 교회를 다녀도 चाहे हम चर्च जाते हों 예, 장로나 목사가 되어도 हम एल्डर हों पास्टर हों 마음에 죄가 있으면 तो मन में अगर पाप होगा 그 죄 때문에 멸망을 당하게 되는 것입니다. 또 उस पाप की वजह से नाश होना जरूरी है. 사람들이 이 죄가 얼마나 위험한지를 잘 모르는 거예요. तो लोग ये नहीं जानते कि पाप कितनी खतरनाक चीज है. 이 죄가 얼마나 심각한지를 못 느끼는 거예요. तो पाप कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, ये चीज नहीं जानते हैं. 그래서 하나님이 우리의 죄인 된 모습을 깨닫게 해서 तो इसलिए सच में परमेश्वर हमारा पापी रूप हमें देखने देता है. 죄 사함 받는 은혜를 입고 और पापों की क्षमा पाने का अनुग्रह हमें देता है. 우리가 하늘나라에 가는 그 은혜를 입혀 주기 위하여. और सच में हमें स्वर्ग जाने का अनुग्रह देने के लिए 하나님은 우리에게 율법이라는 걸 주셨습니다. परमेश्वर सबसे पहले हमें क्या दिया? हमें व्यवस्था दी. 자, 이 율법은 하나님이 모세를 통하여 주신 건데 तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें दी थी. 예수님이 이 세상에 오시기 전에 तो यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले 예, 예수님이 오시기 한 1500년쯤 전에 तो यीशु मसीह के आने से करीबन 1500 साल पहले 하나님이 모세를 통하여 율법을 주셨습니다. तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था दी. 자, 율법 중에 대표적인 게 십계명입니다. तो व्यवस्था की जो मुख्य बातें हैं वो मतलब 10 आज्ञाएं हैं. 자, 율법은 이제 크게 두 가지로 나뉘어지는데 तो व्यवस्था को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं. 무엇을 하라는 법이 있고 무엇을 하지 말라는 법이 있습니다. तो एक तरफ ऐसी आज्ञाएं जो कहती हैं ये करो और दूसरी ओर ऐसी आज्ञाएं जो कहती हैं ये मत करो. 안식일을 기억하여 지키라. तो सब्त के दिन को तुम याद रखो. 내 부모를 공경하라. अपने मां-बाप का आदर करो. 자, 이런 것들 하라는 법이죠. तो ऐसे मतलब ये करो. 나 외에 다른 신을 잊게 말라. और मेरे अलावा किसी और ईश्वर की तुम उपासना मत करो. 우상을 만들지 말라. तुम मूर्ति मत बनाओ. 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 말라. परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लो. 살인하지 말라. झूठ मत बोलो. 가늠하지 말라. 미비찰 못 करो. 거짓 증거하지 말라. 주디 가와이 못 도. 탐내지 말라. और तुम मतलब लालच मत करो. 자, 이런 것들은 뭐 하지 말라는 거죠. तो ये है कि मतलब मत करो मत करो मत करो. 자, 이제 율법이 내려온 뒤로는 तो व्यवस्था के आने के बाद 하나님이 하라고 명하신 것을 못 해도 죄가 되고 तो परमेश्वर ने जो बोला है कि करो अगर तुम उसे नहीं कर पा रहे हो तो वो पाप है. 하나님이 하지 말라고 하신 걸 해도 죄가 됩니다. और जो परमेश्वर बोला कि मत करो अगर तुम उसको करते हो तो वो पाप है. 자, 이 율법은 어떤 법이냐 하면 तो ये व्यवस्था ये कैसा मतलब नियम कानून है. 여러분, 율법은 전부 613가지가 있는데 तो व्यवस्था में टोटल 613 नियम है. 십계명만 있는 게 아니에요. सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं है. 자, 예를 들면 11조에 대한 11조에 대한 규정은 십계명 안에는 없습니다. तो उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब दशवांत के विषय में 10 आज्ञाओं में नहीं लिखा हुआ है. 뭐 십계명에는 11조를 드리라는 이야기 없는데. तो 10 आज्ञाओं में नहीं लिखा है कि तुम मतलब दशवांत दो. 사람들은 11조 생활을 합니다. लेकिन फिर भी लोग अपना दशवांत देकर रहते हैं. 십계명 외에도 많은 율법들이 있는 겁니다. तो मेरा कहने का मतलब है कि 10 आज्ञाओं के अलावा भी बहुत सारे नियम हैं. 근데 율법은 어떤 법이냐? तो व्यवस्था ये कैसा मतलब एक लॉ है, कैसा नियम है?
613가지 율법을 쭉 지켜 나가다가 तो 613 आज्ञाओं का तुम मतलब पूरी तरीके से पालन कर रहे हो कि 중에 하나라도 어기면 लेकिन उसमें से तुम मतलब एक को भी अगर मान लो तोड़ देते हो 죄인이 되고 तो तुम पापी कहलाए जाओगे 예 죄인은 사망이 따라오는 거예요 और पाप के साथ-साथ मृत्यु तुम्हारे ऊपर आएगी 그래서 우리가 율법을 지켜서 의롭게 되려면 तो अगर हमें व्यवस्था का पालन करके धर्मी बनना है 내가 율법을 지켜서 하나님 앞에 온전해지려면 तो व्यवस्था का पालन करके अगर मुझे परमेश्वर के सामने सिद्ध बनना है 내가 태어나서 죽을 때까지 तो फिर मेरे पैदा होने से लेकर मेरे मरने तक 613가지 율법 중에 하나도 어기지 않고 완벽하게 지켜야 됩니다. तो 613 में से एक को भी ना तोड़ते हुए इन सबको मतलब परफेक्टली मुझे मानना पड़ेगा 네, 여러분 율법을 완벽하게 지킬 수 있는 사람이 있을까요? 근데 व्यवस्था고 मतलब इतने सिद्ध तरीके से मानने वाला क्या कोई इस दुनिया में है? 여러분 예수님은 이 율법을 어떻게 적용하느냐 하면 तो यीशु मसीह सच में इस व्यवस्था को कैसे अप्लाई करते हैं? 마태복음 5장 27절 이하에서 तो मत्ती 5 के 27 में जो हम पढ़ते हैं 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였다고 이야기했어. 또 이슈 무슨 얘기해? 그러니까, 만약 तुम किसी स्त्री को मतलब बुरी नजर से देखते हो, तो तुम उस मन में उसे व्यभिचार कर चुके हो. 내가 실제로 몸으로 가늠을 하지 않아도. 또 अभी तुमने शरीर से चाहे किसी औरत के साथ व्यभिचार अभी नहीं किया है. 마음에 음욕만 품어도. लेकिन अगर तुमने अपने मन में मतलब वासना का मन रखा है. 하나님 너는 마음으로 이미 가늠했어. 또 परमेश्वर कहते हैं कि तू मन से व्यभिचार कर चुका है. 너 마음으로 죄를 지었어. 또 मन से तुमने पाप कर दिया है. 넌 죄인이기 때문에 저주를 받고 심판을 받아야 돼. 또 तुम क्योंकि पापी हो इसलिए तुम्हारा न्याय होगा तुम्हें सजा मिलेगी. 그렇게 말씀하시는 거예요. 또 ऐसा बताया गया है. 자, 하나님은 미워만 해도 마음에서는 살인한 것과 같다고 말씀하십니다. तो परमेश्वर वचन कहता है कि अगर तुम किसी को मतलब घृणा करते हो तो तुम उसका खून कर चुके हो 여러분 가운데 지금까지 인생을 살아오면서 तो आप लोगों में से अपना जीवन जीने के दौरान 음란한 생각 한 번도 하지 않고 तो आपने कभी कोई व्यभिचारी सोच नहीं रखी 거짓말 한 번도 하지 않고 कभी कोई आपने झूठ नहीं बोला 남을 한 번도 미워하지 않고 살아오신 분 계십니까? कभी किसी को आपने मतलब नफरत नहीं किया कोई आप में से ऐसा है 여러분 죄를 짓지 않고 살 수 있는 사람 아무도 없습니다 तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पाप किए बिना रह सकता है 여러분 이 율법은 지켜보면 우리가 지킬 수가 없는 법이에요 तो व्यवस्था को अगर आप सच में इसका पालन करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसका पालन नहीं कर सकते 많은 사람들이 자기가 율법을 지키려고 예를 쓰면 율법을 지킬 수 있을 줄 알아요 तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वे कोशिश करेंगे तो वे व्यवस्था का पालन कर सकेंगे 하나님은 여러 성경에서 लेकिन परमेश्वर हमें बहुत सारे वचनों में क्या बता रहे हैं 우리가 율법의 행위로는 절대 의롭게 될 수 없다고 분명히 말씀하십니다 तो परमेश्वर हमें साफ-साफ बता रहे हैं कि हम व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते 자, 갈라디아서 3장 11절을 한번 보겠습니다 तो गलातियों 3 का 11 एक बार देखेंगे तो 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता 자 여기 하나님은 분명한 사실 하나를 말씀하고 계시는데 तो बाइबल साफ हमें एक बात बता रही है 하나님 앞에서는 어떤 사람도 율법으로 말미암아 의롭게 될 수 없다는 거예요. 또 परमेश्वर के सामने व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता. 하나님은 우리 인생들이 율법을 지킬 수 없다는 걸 잘 알고 있습니다. 또 परमेश्वर पहले से जानते थे कि हम मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते. 근데 사람들은 율법을 지키려고 노력하면 지킬 수 있는 줄 아는 거예요. 근데 लोग गलत फहमी रखते हैं कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं व्यवस्था का पालन कर सकूंगा। 그 율법을 지키다가 율법을 어기면 तो व्यवस्था का पालन करते करते अगर कोई उस व्यवस्था को तोड़ देता है 그 죄를 용서해 달라고 빌면 되는 줄 알아요।
लोगों को लगता है कि ठीक है अगर हम इस पाप की माफी मांग लेंगे तो हो जाएगा। 여러분 죄의 삭은 사망입니다. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 죄는 빈다고 없어지는 게 아니에요. तो पाप कभी भी हमारे माफी मांगने से गायब हो जाते हैं ऐसा नहीं है। 죄는 고백한다고 없어지는 게 아닙니다. तो पाप हमारे मतलब क्षमा मांगने से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। 내가 괴로워한다고 죄가 가벼워지는 게 아니에요. तो मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं इसलिए मेरा पाप हल्का हो जाएगा ऐसा नहीं है। 예, 죄를 지으면 법이 정한 죄의 값을 지불해야 돼요. तो पाप अगर आप करते हैं तो उस पाप की कीमत को जो भी व्यवस्था ने निर्धारित की है वो चुकानी पड़ेगी। 죄의 삭이 사망이기 때문에 तो पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु नियुक्त की गई है। 예, 죄가 해결되려면 사망이 지불돼야 됩니다. तो इसलिए पाप को सुलझाने के लिए मृत्यु से उसकी कीमत को चुकाया जाना जरूरी है। 자, 오늘날 많은 사람들이 율법을 지키다가 तो आज बहुत से लोग हैं व्यवस्था का पालन करते हैं। 율법을 어기게 되면 और जब वो किसी मतलब मान लो व्यवस्था के किसी चीज को तोड़ देते हैं। 아, 내가 이번에는 율법을 못 지켰지만 아, इस बार तो मैंने व्यवस्था का पालन नहीं किया। 다음 주부터 다시 한번 마음을 가다듬고 율법을 지켜봐야지। लेकिन अगले हफ्ते एक बार मतलब अपना मन बनाऊंगा और इसको पालन करने की कोशिश करूंगा। 새로 다짐을 하고 율법을 지키려고 각오를 합니다. तो ऐसा करके मतलब लोग दृढ़ संकल्प करते हैं और सोचते हैं कि ठीक है अब से हम कोशिश करेंगे। 근데 각오해도 율법을 지킬 수가 없어요. लेकिन कितना भी वे मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर ले व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। 그러니까 이제 아 율법을 지키는 게 쉽지 않네. 오 व्यवस्था का पालन करना तो आसान नहीं है। 그 율법을 어떻게 지키느냐? तो कैसे व्यवस्था का पालन किया जाए? 다 지키지도 않고 तो मतलब वो कोशिश कर मतलब पूरी व्यवस्था को मानते भी नहीं है लोग। 전혀 안 지키는 것도 아니고 और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से उसको तोड़ रहे हैं। 그러니까 적당히 이제 자기식 율법을 만들어서 तो मतलब कुछ हद तक मतलब एक अपनी ही व्यवस्था को बना लेते हैं। 예, 자기식으로 예, 자기식 율법을 지키는 거예요. तो अपने स्टाइल से वो व्यवस्था का पालन करते हैं। 여러분 율법이 요구하는 것은 우리의 최선이 아니라 완벽을 요구합니다. 또 व्यवस्था हमारी कोशिश नहीं मांग रही है। व्यवस्था हमसे मतलब सिद्ध रूप से पालन करने के लिए बोल रही है। 야, 우리가 최선을 다해도 또 हमारी पूरी लगन पूरी कोशिश 율법은 네가 최선을 다했으니까 아, 너는 이제 천국 가도 되겠다 그러지 않습니다. 또 व्यवस्था ये नहीं बोलती है ठीक है तूने पूरी कोशिश तो की ठीक है तूने कोशिश की इसलिए तू स्वर्ग जा सकता है। 율법은 우리의 완벽을 요구해요. तो व्यवस्था हमसे मतलब सिद्धता मांगती है, सिद्ध रूप से उसको मानने के लिए कहती है। 근데 여러분, 우리는 신이 아닌 인간인데 인간이 어떻게 완벽해집니까? तो हम मतलब कोई ईश्वर नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम कैसे मतलब सिद्ध रूप से उसको मान सकते हैं? 자, 율법을 지키는 것보다 더 중요한 것은 तो व्यवस्था को पालन करने से ज्यादा जरूरी बात क्या है? 율법을 주신 목적을 정확하게 깨닫는 겁니다. व्यवस्था के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर ने क्यों इस व्यवस्था को देना है? उसको पहचानना बहुत जरूरी है। 하나님은 우리 인간들의 연약함을 잘 알고 계십니다. तो परमेश्वर हमारी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। 그래서 우리가 율법의 행위로는 절대 의롭게 될 수 없다는 사실을 잘 알고 계십니다. तो परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि हम व्यवस्था के कामों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। 그래서 우리가 방금 읽은 갈라디아 3장 11절에서 तो हमने गलातियों 3:11 में जो वचन पढ़ा 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하다고 말씀하셨죠. तो साफ बताया गया है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। 자, 이건 분명한 사실인데 तो ये सच्चाई है। 하나님 앞에서는 तो परमेश्वर के सामने 어떤 사람도 율법으로 말미암아 의롭게 될 수 없다는 거예요. 또 परमेश्वर 사람의 कोई व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। 하나님 이렇게 말씀하신 걸 보면 तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा कहता है 하나님은 우리가 율법을 지킬 수 없다는 사실을 이미 알고 계십니다. 또 परमेश्वर पहले से जानता है कि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। 자, 그러면 우리가 율법을 못 지킬 것을 아시면서 왜 하나님은 우리에게 율법을 주셨지?
ये जानते हुए कि मतलब हम इसका पालन नहीं कर सकेंगे तो परमेश्वर ने हमको हमको ये व्यवस्था क्यों दी? 하나님 우리가 율법을 지킬 수 없다는 사실을 잘 아시는데 तो परमेश्वर अच्छे से जानता है कि हम इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते 왜 율법을 주고 이걸 지키라고 하셨지? तो क्यों परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दी और कहा कि इसका पालन करो? 여러분 율법은 지키라고 주신 법이 아닙니다. 그 व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी कि हम इसका पालन करें. 많은 사람들이 율법을 주신 목적을 정확하게 깨닫지 못하고 तो आज बहुत लोग सबसे बड़ी बात है कि वे व्यवस्था परमेश्वर क्यों दी उसके मकसद को नहीं समझते. 율법을 오해해서 तो वो व्यवस्था को गलत समझते हैं. 율법을 지키려고 애쓰고 노력하는 것이 신앙생활인 줄로 알고 있습니다. तो वो सोचते हैं कि वो व्यवस्था को मानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगे हुए हैं, इसीलिए वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं. 마틴 루터도 구원을 받기 전에 역시 그랬습니다. तो मार्टिन लूथर भी उद्धार पाने से पहले ऐसा ही सोचता था. 여러분, 율법을 지키려는 노력보다 더 중요한 것은 तो व्यवस्था को मानने की कोशिश से ज्यादा जरूरी बात क्या है? 율법을 주신 목적을 정확하게 깨닫는 거예요. परमेश्वर ने ये व्यवस्था क्यों दी है उसके मकसद को स्पष्ट रूप से समझना है. 율법은 지키라고 주신 법이 아닙니다. तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी कि हम इसका पालन करें. 그럼 뭐 때문에 율법을 주셨지? तो क्यों परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमको दी? 자, 로마서 3장 20절에 율법을 주신 목적이 기록되어 있습니다. 로미오 3의 20에 हम उस मकसद को पढ़ सकते हैं. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है. 자, 여기 율법으로는 죄를 깨달음이니라. तो यह लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है. 여러분, 이 율법은 지키라고 주신 법이 아니고 तो व्यवस्था हमें मानने के लिए नहीं दी गई है. 우리의 죄를 깨닫게 하기 위하여 주신 법이에요. हमें हमारे पाप की पहचान कराने के लिए दी गई है. 자, 율법은 거울과 같은 겁니다. तो व्यवस्था एक आईने के समान है. 제가 매일 아침마다 세수를 합니다. तो रोज सुबह हम अपना मुंह धोते हैं. 내 얼굴을 씻고 तो अपना चेहरा धोने के बाद 내 얼굴을 수건으로 닦아요. तो हम अपने चेहरे को मतलब एक तौलिए से साफ करते हैं. 그래서 얼굴이 깨끗한가 제 거울을 봅니다. और फिर हम आईने में देखते हैं कि मेरा चेहरा साफ है या नहीं है. 가끔 제가 보면 तो कभी कभार क्या होता है? 분명히 얼굴을 씻고 이제 얼굴을 닦았는데 तो जरूर मतलब मैंने अपने चेहरे को धो लिया और उसको पोंछ लिया. 세수를 하는 동안 막 코가 퉁퉁 불어가지고. 근데 मतलब मुंह धोते धोते जैसे मेरा नाक एक तरफ से सूज जाता है. 코가 콧등에 하나 탁 붙어 있을 때가 있어요. और मतलब मेरे नाक के ऊपर कुछ मतलब लगा हुआ होता है ऐसा मुझे दिखाई देता है. 자, 내 콧등에 더러운 코가 붙어 있는데 तो मेरे नाक के ऊपर चाहे कोई गंदगी लगी हुई है. 내 모습을 정확하게 보여주는 거울이 없으면 내 더러운 모습을 깨달을 수가 없죠. लेकिन जब तक मेरे पास कोई आईना नहीं होगा जो मेरा गंदा रूप मुझे दिखाएगा तब तक मैं मतलब अपने आप को नहीं देख पाऊंगा. 자, 율법은 우리 자신의 모습을 보여주는 거울과 같습니다. तो व्यवस्था जो है वो हमारा रूप दिखाने वाली मतलब एक आईने के समान है. 여러분, 거울은 내 더러운 걸 깨끗하게 해주는 게 아니에요. तो आईना हमें साफ नहीं कर देता. 내 더러운 모습을 그대로 보여주는 거예요. सिर्फ हमारे गंदे रूप को हमें दिखा देता है. 자, 거울은 내 더러운 걸 깨끗하게 해주지는 않지만 तो आईना चाहे मेरे गंदे चेहरे को साफ नहीं कर सकता. 거울은 굉장히 좋은 거고 필요한 겁니다. लेकिन आईना मेरे लिए बहुत जरूरी है. 거울이 있어야 내 더러운 모습을 볼 수가 있는 거예요. क्योंकि आईना होगा तभी मैं अपने गंदे रूप को देख पाऊंगा. 거울을 통하여 아, 내 얼굴에 이래 더러운 게 있구나 하는 걸 깨달아야 깨끗하게 씻을 필요를 느끼는 거죠. तो आईने के द्वारा जब मुझे पता चलेगा कि हाँ देखो मेरा चेहरा इस प्रकार से गंदा हो रहा है तब मुझे उसको धोने की जरूरत महसूस होगी. 예, 율법은 우리를 깨끗하게 해주는 법이 아니고 तो व्यवस्था हमें साफ करने वाली व्यवस्था नहीं है. 우리의 더러운 모습을 드러내서
तो हमारे गंदे रूप को प्रकट करके 우리의 더러운 죄를 깨닫게 해서 हमारे पाप को देखने देके 그 죄를 씻어 주실 예수님의 은혜 앞에 나오도록 우리 마음을 이끄는 법이에요. तो हमारे उस पाप को लेकर हम यीशु मसीह के अनुग्रह के सामने जा सकें इसलिए वो हमारी अगुवाई करती है। 예, 율법은 우리의 죄를 깨닫게 해 주는 겁니다. तो पाप की पहचान व्यवस्था के द्वारा होती है। 하나님이 살인하지 마라 했는데 내가 살인을 했구나. 그래서 뭐라 था कि तुम किसी का खून मत करना लेकिन मैंने खून कर दिया। 하나님이 가늠하지 말라 하셨는데 내가 가늠을 했구나. 그래서 कहा व्यभिचार मत करना लेकिन मैंने व्यभिचार कर दिया। 내가 죄인이구나. मैं पापी हूं। 내가 저주 아래 있구나. मैं श्रापित हूं। 내가 구원받은 사람이 아니구나. तो मैं उद्धार पाया व्यक्ति नहीं हूं। 나는 내 죄를 해결할 수가 없는데. तो मैं अपने पाप को नहीं सुलझा सकता। 내 죄를 씻어 줄 능력은 예수님에게만 있는데. मेरे पाप को धोने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है। 내가 이제 예수님의 은혜 앞에 나아가야 하는구나. अब मुझे यीशु के अनुग्रह के सामने जाना होगा। 내가 예수님의 긍휼 앞에 나아가야겠구나. मुझे यीशु की दया के सामने जाना होगा। 자, 율법은 우리의 죄를 깨끗하게 해 주는 법이 아니고 तो व्यवस्था हमारे पापों को धो नहीं देती। 율법은 우리를 의롭게 해 주는 법이 아니라 तो व्यवस्था हमें सच में पवित्र करने वाली व्यवस्था नहीं है। 우리의 연약한 모습 हमारे कमजोर रूप को 우리의 부족한 모습 हमारी कमियों से भरे हुए रूप को 우리의 죄인 된 모습을 깨닫게 해서 तो हमारे पापी रूप को हमें देखने देती है। 예수님의 은혜와 긍휼 앞에 나아오도록 우리 마음을 인도하는 법이에요. और हमारे मन को उसमें यीशु मसीह के सामने अनुग्रह के सामने जाने के लिए अगुवाई करती है। 그래서 우리가 죄인 된 모습 그대로 예수님 앞에 나아가면 तो अगर हम अपने पापी रूप को लेके जो को जो का त्यों यीशु मसीह के सामने जाएंगे 예수님 은혜와 긍휼에 풍성하시고 तो यीशु मसीह क्योंकि दया का धनी है 예수님은 능력이 크시기 때문에 क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है 예수님 우리를 사랑하시기 때문에 और क्योंकि वो हमसे प्यार करता है 예수님의 능력으로 यीशु मसीह की ताकत से 예수님의 은혜로 우리의 모든 죄를 깨끗하게 씻어주는 겁니다. 이슈 무슨게 안우그레스 사실에 हमारा पाप साफ धुल सकता है। 자, 로마서 3장 21절을 보시면 तो रोमियो 3게 21절을 한번 देखते हैं। 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। 자, 율법의 행위로는 우리가 의롭게 될 수 없기 때문에 क्योंकि व्यवस्था के कामों से हम लोग धर्मी नहीं बन सकते थे। 하나님이 율법으로 말미암지 않는 다른 의를 하나 준비했다는 거예요. 그래서 परमेश्वर ने हमें दूसरी धार्मिकता दी जो कि व्यवस्था के द्वारा नहीं है। 그 의는 어떻게 받느냐? उस धार्मिकता को हम कैसे प्राप्त करते हैं? 22절 22에 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 어떻 परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं। 내가 선을 행하고 तो मैं भलाई करूंगा 내가 율법을 지켜서 의롭게 되면 तो अगर मैं अच्छाई और भलाई करके धर्मी बन सकता 그것은 자기의 의입니다. तो फिर वो मेरी धार्मिकता होगी। 자, 자기의 노력으로는 의롭게 될 수가 없기 때문에 क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से सच में धर्मी नहीं बन सकते। 내가 아무리 노력해도 절대로 완벽하게 의롭게 될 수가 없기 때문에 क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं खुद से धर्मी नहीं हो सकता। 내 의를 버리고 तो अपनी धार्मिकता को फेंक कर 하나님이 예수님을 통해 우리에게 주시려는 그 의를 받아들이라는 거예요. तो परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता में देना चाहते हैं उस धार्मिकता को स्वीकार करना। 자, 이제 예수님이 주시는 이 의는 차별이 없다는 겁니다. तो यीशु मसीह की जो धार्मिकता है उसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं है। 누구든지 믿음으로 받아들이면 된다는 거예요. तो कोई भी इसे विश्वास से स्वीकार कर सकता है। 교회를 다녔든 안 다녔든 तो कोई चर्च गया हो ना गया हो 성경을 많이 알든 적게 알든
बाइबल ज्यादा आती हो कम आती हो죄를 많이 지었던 적게 지었던 पाप ज्यादा किया हो कम किया हो이것은 값없는 은혜로 주시는 의이기 때문에 तो ये मतलब बिना किसी कीमत के दी हुई धार्मिकता है그냥 믿음으로 받아들이면 된다는 거예요. तो हमें सिर्फ विश्वास इसको स्वीकार करना है 로마서 3장 23절 रोमियो 3 का 24 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 रोमियो 3 के 23 में लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं 자, 로마 3장 23절 여기 보면은 모든 사람이 죄를 범하였다 하고 말씀하셨습니다. 또 로미오 3개 23에 लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है. 여러분 세상에 죄를 범하지 않은 사람은 아무도 없다는 거죠. 어, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है. 자, 그러면 모든 사람이 죄를 범했다면 तो क्योंकि सबने पाप किया है 세상에 율법을 어기지 않은 사람 तो कोई मतलब ऐसा दुनिया में नहीं है जिसने व्यवस्था को ना तोड़ा हो 계명을 어기지 않은 사람 तो ऐसा कोई नहीं है जिसने आज्ञाओं को ना तोड़ा हो 죄를 짓지 아니한 사람은 한 명도 없다는 결론이 나오죠 तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो 그래서 죄를 안 지어서 하늘나라 갈 수 있는 사람은 아무도 없습니다 तो कोई ऐसा नहीं है जो पाप किए बिना स्वर्ग जा सके 우리가 죄를 지었지만 तो चाहे हमने पाप किया है 하나님의 은혜를 입어서 तो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके 죄 사함을 받아서 하늘나라 갈 수 있는 거지. तो हम सच में पापों की क्षमा प्राप्त करके स्वर्ग जा सकते हैं. 죄를 안 지어서 하늘나라 갈 수 있는 사람은 한 명도 없습니다. कोई ऐसा नहीं है जो पाप ना करके स्वर्ग जा सके. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. तो क्योंकि सबने पाप किया. 그래서 우리는 하나님의 영광에 도달할 수가 없었습니다. इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं 자, 우리가 그 영광스러운 하늘나라에 갈 수가 없기 때문에 तो हम परमेश्वर की महिमा जो स्वर्ग है वहां तक हम नहीं जा सकते 우리는 죄에서 벗어날 수 없고 तो हम मतलब पाप से खुद आजाद नहीं हो सकते 우리는 하늘나라에 갈 수 있는 능력이 없기 때문에 और मतलब हमारे पास काबिलियत नहीं है कि हम अपनी काबिलियत से स्वर्ग पहुंच सकें 우리에게는 하늘나라에 갈 수 있는 길이 없기 때문에 तो हमारे पास मतलब स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं है 이제 하나님 편에서 우리가 하늘나라 갈 수 있는 길을 열어줘야 되는 거예요. तो इसलिए परमेश्वर को हमारे लिए स्वर्ग जाने का मार्ग खोलना होगा. 자, 우리 편에서 하늘나라 갈 수 있는 길을 만들 수가 없으니까. तो क्योंकि हम खुद से स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं खोल सकते. 하나님 편에서 우리가 하늘나라 갈 수 있는 길을 열어줘야 되는 거예요. तो इसलिए परमेश्वर को अपनी तरफ से हमारा स्वर्ग जाने का मार्ग खोलना पड़ा. 하나님께서 우리 죄를 씻어주시고. तो परमेश्वर को हमारा पाप धोना पड़ा. 하나님께서 우리를 의롭게 하시고 तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया 하나님께서 우리를 구원해 주셔야 되는 거예요. परमेश्वर को हमें मतलब धर्मी ठहरा के हमें उद्धार देना पड़ा. 그래서 하나님 구원의 계획을 세우시고 तो परमेश्वर ने एक मतलब उद्धार की योजना बनाई. 구원자를 준비하시고 और उद्धारकर्ता को तैयार किया. 그 구원자 예수 그리스도를 이 땅에 보냈습니다. और उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया. 그래서 우리는 그 예수 그리스도를 길이라고 부릅니다. 또 이스라엘 함 우스 이슈코 अपना मार्ग कहते हैं. 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 하셨습니다. 또 이슈 무슨 얘기하다 이게 जीवन सत्य और मार्ग मैं ही हूं. 예, 우리는 길이 없는데. हमारे पास मतलब कोई रास्ता नहीं था. 예수님이 오셔서 लेकिन यीशु मसीह आया. 우리의 모든 죄를 해결해 주시고 और उसने हमारे सारे पापों को सुलझा दिया. 우리가 하늘나라 갈 수 있는 길을 열어주시는 거예요. और हमारा स्वर्ग जाने का मार्ग उसने खोल दिया. 하나님은 예수 그리스도에게 우리의 모든 죄를 담당시키셨습니다. तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों की जो जिम्मेदारी है वो यीशु मसीह को दे दी. 자, 이사야 53장 6절에 보시면 तो यशाया 53 के 6 में क्या लिखा है? 우리는 자, PPT 띄워주세요. 아, 예, 띄웠나요? 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 여호와는 हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया. 하나님은 예수님을 이 땅에 보내시고 परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा.
예수 그리스도에게 우리의 모든 죄를 담당시키신 겁니다. और यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पापों का बोझ लाद दिया, 우리의 죄가 예수님께로 담당되었기 때문에 क्योंकि हमारे पापों की सारी जिम्मेदारी यीशु मसीह के ऊपर चली गई. इसे 예수님이 그 죄의 벌을 받아야 합니다. तो अब यीशु मसीह को सच में उस पाप की जो सजा है वो मिलनी पड़ेगी. 그래서 예수님 우리의 모든 죄를 짊어지시고 तो इसलिए यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया. 그 죄의 삭시 사망이기 때문에 और वो पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु है,예수님 우리 죄값을 지불하기 위하여 तो हमारे पापों की सजा को सच में उसकी कीमत को चुकाने के लिए십자가에 못 박혀 돌아가셔야 했습니다. तो इसीलिए उसे क्रूस पे मरना पड़ा. 자, 근데 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 तो यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा,그냥 죽으시면 안 되고 तो यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मर गया,반드시 피를 흘리고 죽으셔야 됩니다. उसको जरूर मतलब लहू बहा के मरना पड़ा.마태복음 26장 28절을 보겠습니다. 마티 26:28. 자, 예수님이 십자가에 못 박히시기 전에 तो क्रूस पे मरने से पहले왜 피를 흘리시는지 그 이유를 말씀하셨습니다. तो क्यों उसने लहू बहाया, वो कारण वहां लिखा हुआ है. 마태복음 26장 28절. 마티 26:28. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 곧 언약의 피니라. क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है. तो자, 이 피는 언약의 피라는 거예요. ये वाचा का लहू है. 이 피에는 하나님의 약속이 있다는 거예요. तो इस लहू में परमेश्वर का वादा शामिल है. 예수님이 흘리는 그 피는 많은 사람의 죄를 사하기 위하여 흘려진 피라는 거죠. तो यीशु मसीह का लहू सच में बहुत से लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला लहू है. 그래서 예수님의 피가 흘려지면 तो जब यीशु मसीह का ये लहू बहाया गया, 하나님의 약속대로 그 피가 온 인류의 모든 죄를 씻는 것입니다. तो परमेश्वर के वादे के अनुसार उस लहू ने सारी मनुष्य जाति के पाप को धो दिया. 자, 예수님은 십자가에 못 박히실 때 यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया,온 인류의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 못 박혔습니다. तो वे पूरे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गए.요한일서 2장 2절에 보면 तो पहले योहन्ना 1:2 में जो हम देखते हैं, 저는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 मतलब वे हमारे लिए जिसमें मेल मिलाप का बलिदान बना,우리만 위할 뿐 아니요 ना केवल हमारे लिए온 세상의 죄를 위하심이라. लेकिन पूरे मनुष्य जाति के पाप के लिए. 예수님은 내가 태어나서 죽을 때까지의 죄만 짊어지신 게 아니고 तो यीशु मसीह ने सिर्फ मेरे पैदा होने से मरने तक के पाप अपने ऊपर नहीं उठा लिए,아담부터 이 세상 마지막 사람까지 तो आदम से लेके इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति तक,온 세상의 죄를 짊어지고 तो पूरे मनुष्य जाति के पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया십자가에 못 박혀서 और वह क्रूस पे चढ़ गया.그 죄를 씻은 증거로 당신의 피를 흘려주신 겁니다. तो उस पाप को उसने धो दिया, इस सबूत के रूप में उसने लहू को बहाया.예수님이 담당하신 죄는 तो जिस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, for the sins of the whole world, तो वह पूरे मनुष्य जाति का पाप है, जगत का पाप है.온 세상의 모든 죄들이라는 겁니다. 또 यीशु मसीह ने जगत के पाप को, तो 여러분이 과거에 지은 죄나 앞으로 지을 죄나 आप लोगों का चाहे वो भूतकाल का पाप है या भविष्य का पाप है, तो여러분이 마음으로 지은 죄나 행동으로 지은 죄나 आपने अपने मन से या कामों से जो पाप किया है,우리가 이 세상에 태어나서 죽는 날까지 짓는 그 모든 죄를 한 몸에 짊어지고 तो हमारे सारे पापों को उसने एक ही बार अपने ऊपर उठा लिया,그 죄값을 지불하기 위하여 तो उस पाप की कीमत को चुकाने के लिए십자가에 못 박혀서 वह क्रूस पे चढ़ाया गया. 예수님은 6시간 동안 매달려 계셨습니다. 또 यीशु मसीह सच में 6 घंटे क्रूस पे लटका रहा. 이제 예수님은 당신의 몸에서 피를 아낌없이 흘려주시고 और उसने मतलब बिना रुके अपना सारा लहू बहाया.
마지막으로 말씀하셨습니다. और अंदरस ने क्या कहा? It is finished. 또 उसने कहा कि सब पूरा हुआ. 예, 예수님이 It is finished 하신 것은 이제 모든 죄를 다 씻었다. 또 सब पूरा हुआ मतलब कि अब हमारा सारा पाप धुल गया. 너희들이 율법을 어긴 그 모든 죄의 벌을 다 받았다. 또 तुमने मतलब जो व्यवस्था का उल्लंघन किया उसकी सारी सजा मैंने पाई. 내가 십자가에 흘린 피로 너희들의 모든 죄를 씻었고. तो जो क्रूस पर मैंने लहू बहाया उसके द्वारा मैंने तुम्हारा सारा पाप धो दिया. 이제 너희들은 의롭게 되었다. और अब तुम सर्वे धर्मी ठहरे गए हो. 예수님 죄를 다 씻었기 때문에. तो यीशु मसीह ने क्योंकि सारा पाप धो दिया. 모든 사람을 의롭게 하셨기 때문에. 그분이 क्योंकि सब लोगों को धर्मी ठहरा दिया. 예수님 이제 세상을 떠나셨습니다. इसीलिए सच में यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर चले गए. 자, 예수님이 흘리신 그 피의 능력은 엄청난 겁니다. तो यीशु मसीह के लहू की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है. 히브리서 9장 12절에 보면 तो इब्रानियों 9 के 12에 लिखा है 염소와 송아지의 피로 아니하고 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 왜 अपने ही लहू के साथ एक ही बार बलिस्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया. 어떤 성경학자 이야기하기를 कोई बाइबल का स्कॉलर ऐसा बताता है 여기서 once라는 단어와 eternal redemption 이거는 엄청난 약속이라는 거예요. तो वो बताते हैं कि एक ही बार शब्द का प्रयोग जो किया गया है और अनंत काल जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये बहुत महान परमेश्वर का वादा है. Once라는 건 두 번이 필요 없다는 거예요. तो मतलब एक ही बार का मतलब है कि दूसरी बार की जरूरत नहीं है. 한 번만에 우리의 모든 죄를 영원히 씻었다는 거죠. तो हमारे सारे पापों को उसने मतलब अनंत काल के लिए धो दिया. 그러니까 예수님은 전능하신 하나님의 아들인 거예요. तो इसीलिए यीशु मसीह सच में परमेश्वर का महान पुत्र था. 예수님이 흘리신 피로 우리의 죄를 영원히 씻었습니다. तो यीशु मसीह ने जो लहू बहाया उसके द्वारा उसने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया. 이것이 하나님의 약속입니다. ये परमेश्वर का वादा है. 우리의 죄가 십자가에서 영원히 씻어졌기 때문에 तो हमारा पाप क्योंकि क्रूस पे अनंत काल के लिए धो दिया गया 사망이 영원히 떠나갔고 तो मृत्यु अनंत काल के लिए हमसे दूर हो गई. 사망이 영원히 떠났으니까. और क्योंकि मृत्यु अनंत काल के लिए हमसे दूर हो गई. 이 약속을 믿는 순간 तो जिस पल हम इस वादे पे विश्वास करते हैं 그 사람에게 영원한 생명이 임하게 되는 것입니다. तो अनंत काल का जीवन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है. 이것이 성경이 증거하는 참된 복음이고 तो ये सच्चा सुसमाचार है जिसकी गवाही बाइबल देती है. 이 복음을 믿을 때 영생을 얻고 구원을 받고 तो इस वादे में जब हम विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं, उद्धार पाते हैं. 천국의 시민권을 얻게 되고 और हम स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त करते हैं. 영광스러운 하나님의 자녀가 되는 것입니다. और महिमा से भरे हुए परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं. 로마서 5장 24절에 보면 요한복음 5장 24절에 보면 또 요한나 5개 24에 좀 되겠대. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 또 내 덤세 사차 얘기했다. 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 왜 섬에 아타 해 और अब है 영생을 얻었고 जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे. 심판에 이르지 아니하나니 तो मतलब वे न्याय से बच जाएंगे. 사망에서 생명으로 옮겼느니라 तो मतलब वे मृत्यु से बच के जीवन में चले जाएंगे. 자, 예수님이 진실로 진실로 약속을 했습니다. तो यीशु मसीह ने हमें वादा किया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं. 내 말을 듣고 तो जो मेरा वचन सुनकर 예수님이 십자가에 흘리신 피로 우리의 죄를 영원히 씻었다는 이 말씀을 듣고 또 जो मेरा वचन सुनेंगे कि यीशु मसीह के लहू ने अनंत काल के लिए मेरे पाप को क्रूस पे धो दिया है 우리를 구원하시기 위하여 그 아들을 보내신 자를 믿는 사람은 और जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है
내 죄가 영원히 씻어졌다는 이 약속을 믿는 순간 तो जिस पल वो इस वादे पे विश्वास करता है कि उसका पाप अनंत काल के लिए धुल गया है,세 가지 놀라운 은혜가 임하는 겁니다. 또 तीन अद्भुत अनुग्रह उस व्यक्ति को मिलते हैं. 영생을 얻었고, सबसे पहला अनंत जीवन उसका है. 당연하죠. 또 स्वाभाविक बात है, सही है? 죄가 영원히 씻어졌으니까. 또 पाप जब अनंत काल के लिए धुल गया, 죄를 따라오던 사망이 영원히 떠나갔고, 또 मृत्यु अनंत काल के लिए उससे दूर हो गई. 사망이 영원히 떠났으니까 और क्योंकि मृत्यु उससे दूर हो गई,영생이 임하는 건 당연한 일입니다. 또 इसीलिए अनंत जीवन उसको मिलना स्वाभाविक बात है. 두 번째, 이 약속을 믿는 자에게 주어지는 은혜. 또 दूसरा अनुग्रह जो इस वादे पे विश्वास करने वाले को दिया गया है, 심판에 이르지 아니하나니. 또 उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती. 이제 여러분에게는 심판이 없습니다. 아, 로몽게 ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. 여러분이 받아야 될 모든 심판을 예수님이 받고 가셨기 때문에 또 앞에 저 दंड की आज्ञा आनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने प्राप्त कर ली है. 여러분에게는 더 이상 심판받을 죄가 남아있질 않는 겁니다. तो इसलिए आपका कोई पाप बाकी नहीं रह गया है जिसका न्याय हो. 자, 세 번째 은혜는 और तीसरा अनुग्रह क्या है? 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 왜 मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है. 사망 가운데 있는 여러분을 예수님이 건져내서 तो आप लोग जो कि सच में मृत्यु में थे, यीशु मसीह ने आपको वहां से बाहर निकाला생명의 나라로 옮겨 놓았다. और सच में परमेश्वर के जीवन के राज्य में आपको प्रवेश कराया. 이제 여러분은 생명의 세계로 들어온 겁니다. 또 आप लोग जीवन की दुनिया में प्रवेश कर गए. 예수님이 생명의 나라로 옮겨 놨는데 तो यीशु मसीह ने आपको जीवन की दुनिया में प्रवेश कराया. 예수님이 우리를 사망에서 건져서 तो यीशु मसीह सच में हमें मृत्यु से बाहर निकालता है 생명의 세계로 옮겼는데 और हमें जीवन के राज्य में उसने हमें प्रवेश कराया है. 누가 우리를 다시 사망으로 끌고 갈 수가 있느냐는 거죠. 그건 हमें दोबारा मृत्यु की ओर खींच के ले जा सकता है. 여러분, 이 약속을 믿으시고 तो आप लोग इस वादे में विश्वास कीजिए. 예수님의 그 사랑과 은혜에 감사하며 और यीशु के प्रेम को, उसके अनुग्रह को धन्यवाद कीजिए. 이제 나도 구원을 받았구나. 아, 아, मैंने उधार पा लिया. 나도 이제 하나님의 은혜로 영원히 의롭게 되었구나. 또 मैं अब परमेश्वर के अनुग्रह से अनंत काल के लिए सच में धर्मी ठहर गया. 이제 율법의 행위로 의롭게 되는 게 아니라 또 व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहरने की बजाय값없는 예수님의 은혜로 내가 죄사함을 받았구나. 또 बिना कोई कीमत के, जिसमें यीशु मसीह के अनुग्रह से मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की. 하나님의 말씀을 믿는 믿음 위에 서서 तो वचन के ऊपर विश्वास करके남은 삶 복되게 사시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 아까 बाकी का जीवन आप आशीषित रूप से जी सके. 예, 기도하겠습니다. मैं प्रार्थना करूंगा. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리가 죄악 가운데서 멸망을 당할 수밖에 없었는데 प्रभु, हम सच में सिर्फ नाश हुए बिना नहीं रह सकते थे,우리가 사탄에게 속아서 लेकिन शैतान से धोखा खाकर율법을 오해하고 हम व्यवस्था को सच में गलत समझते थे. 율법의 행위 아래서 얼마나 피곤한 신앙을 했는지 모르는데 और व्यवस्था के कामों से बंध के हमने कितना थकावट से भरा हुआ आत्मिक जीवन जिया. 하나님께서 값없는 은혜로 우리를 의롭게 하시고 प्रभु, आपने बिना किसी कीमत के हमें धर्मी ठहराया. 예수님의 피로 우리의 모든 죄를 씻어 주신 걸 감사합니다. और सच में यीशु मसीह के लहू से आपने हमारे सारे पापों को धो दिया. आपको धन्यवाद देते हैं. 오늘 말씀을 들은 분들을 축복해 주시고 प्रभु, जिन्होंने वचन सुना आप उनको आशीष दीजिए. 내일 저녁 남은 집회를 축복해 주시기를 바랍니다. और कल का जो हमारा बाइबल सभा भी बाकी है, उस पर भी आप अपना आशीष दीजिए. 인도에 참 많은 분들이 코로나 때문에 어려움을 겪고 있는데 तो इंडिया में बहुत से लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं. 정말 우리가 언제 하나님 앞에 설지 모르는데 प्रभु, हम नहीं जानते कि कब हमें आपके सामने खड़ा होना है. 많은 분들이 은혜의 복음을 듣고 तो बहुत सारे लोग इस अनुग्रह के सुसमाचार को सुन सकें. 구원받게 해주시기를 빕니다. प्रभु, आप उन्हें उद्धार का अनुग्रह दे दीजिए. 인도 교회를 축복해 주시옵소서. 아, 바르기 그리스야고 아시시 디지. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
और अभी इस समय हम चर्च के अनुसार ग्रुप डिवाइड करेंगे, तो दिल्ली चर्च के जो भाई बहन हैं आप इसी लिंक में आप रुकिए इसी जूम में, और बाकी दूसरे चर्च के जो भाई बहन हैं इस जूम को छोड़ के अपना जो लोकल चर्च का जूम है उसको आप ज्वाइन कीजिए। आज के लिए बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। See you again tomorrow. Uh, 각자 교회로 빨리빨리 들어가세요.